ठीक है, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अब अभी से आप जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना, वरना मैं कोर्ट में यूज कर लूंगा उसको. ओह माय गॉड, डरा रहे हो। ओके. सही, अब तो मुझे डर लग रहा है। अच्छा, ये ऐसा पॉडकास्ट ये एपिसोड होने वाला है ना कि मुझे खुद नहीं पता कि क्या पूछना है, मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है, मैंने अभी एक अंडा उबाल के खाया है चलो बस. और गेस्ट ऑफ प्लांट, हाँ अच्छा, जी आपको बोलो। मैं प्रभा जी बोलूं या कनिका जी बोलूं, ये बताओ आप मुझे. ये क्वेश्चन पूछ लो इसका, ये पूछ ही लिया है, ये डाल देंगे ये ऐसे ही. ऐसे तो मत पूछो यार, ढंग से पूछो थोड़ा सा। अच्छा चलो ठीक है, चलो अब आप पूछो, क्या कह रहे हो। पूछ तो लिया मैंने आपसे, आप बताओ आप. देखो पता क्या है, शादी से पहले मेरा नाम प्रभा था, ठीक है। तो आफ्टर मैरिज फेरे वगैरह होते हैं, तो कुछ रहे वगैरह देके हस्बैंड के साथ मैच करने के लिए फिर कनिका ऑन द स्पॉट रख दिया, ठीक है। अब लीगल डॉक्यूमेंट से सब जगह कनिका का फिर है, बट पता नहीं जो मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे अंदर मेरी प्रभा भी जाग गई, और फिर मैं ना दोनों को मैं खत्म नहीं कर पा रही अपने अंदर के प्रभा, क्योंकि मैं शुरू से वही हूँ। और मुझे लगता है कि जब मैं लिखती हूँ तो जो मुझे लाइट मिलती है वो मेरे प्रभा वाले नाम से मिलती है, पता नहीं मुझे अंदर फीलिंग आती है। जो जब मैंने शुरू शुरू में लिखना शुरू किया था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं क्या लिखूं, जो मेरे को ऑटोमेटिक ऊपर से सोच में आता था मैं वो लिख देती थी। तो मैंने कई प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैं फेसबुक पे भी लिखती थी और इंस्टाग्राम पे मैंने थोड़ा बाद में ज्वाइन करना शुरू किया, तो फिर मैंने बीच में क्यू ऐप पर भी डाला था, तो कई जगह पे डाला, तो वहाँ कुछ लोगों ने ना बड़े अच्छे कमेंट्स कर दिए, जैसे कि हाँ आप दार्शनिक का लिख रहे हो, आपके नाम की जैसी लाइट है उसके अंदर, तो क्योंकि मैं प्रभा लिखती थी। तो फिर मैं लगा यार हाँ कुछ तो है जो प्रभा से, प्रभा मेरे अंदर है आज भी, अगर मैं लिखती हूँ तो वो लाइट मुझे वहीं से मिलती है, तो फिर इसीलिए मैंने दोनों नाम, पर मुझे प्रभा का होगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा. पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमने बात की कनिका प्रभा कपूर जी से, जो कि एक राइटर हैं, पोएट हैं, ब्लॉगर हैं, और साथ ही साथ एक टॉक शो जिसका नाम है शामे गुफ्तगू, उसकी होस्ट हैं. तो जो पिछला एपिसोड था वो सबसे छोटा एपिसोड था द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट का, और ये जो एपिसोड है ये अब तक का सबसे लेंथी एपिसोड है, ये जो डिस्कशन है. और उम्मीद है ये जो स्टोरी है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है कनिका प्रभा कपूर जी की, ये आप सबको पसंद आएगी. तो सबसे पहले तो प्रभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट. और फाइनली हमें 1 साल हो गया कोशिश करते हुए इस आपको इस पॉडकास्ट में लाने के लिए, 2023 से 24 आ गया, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू तो आपका बुलाया आपने। हमने एक लाइव किया था, इनफैक्ट आपने जो शामी गुफ्तगू आप होस्ट करती हैं और काफ़ी टाइम से आप होस्ट करती आ रही हैं, तो उसमें लाइव किया था, और मुझे फंसाया गया था उस लाइव में पहली बार. और नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज मौका मिला है मुझे उसका बदला लेने के लिए. तो प्रभा जी, आपने जैसा बताया कि आपने लिखना शुरू किया था, तो ये तो अभी की बात हो गई, बट अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप शेयर करना चाहेंगे आपकी अभी तक की जर्नी कैसी रही है? शामे गुफ्तगू पे हम थोड़ा सा बाद में आएंगे. क्योंकि मैं इस पॉडकास्ट के लिए इतना वेट कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ कहना है, और शायद जी पॉडकास्ट के जरिए मैं बहुत सारी चीज़ों को अंडरलाइन भी करने वाली हूँ, क्योंकि तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो एक लाइफ जर्नी जो होती है वो हमारी लाइफ जर्नी होती है, चाहे उसमें फेलियर भी हो चाहे सक्सेस भी, तो वो हमारी ही लाइफ जर्नी होती है। पर हमारी फेलियर्स को तो हम हमेशा ढकते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे फेलियर्स भी हाईलाइट, क्योंकि तो फेलियर तब तक हाईलाइट नहीं करने की आदत नहीं आएगी, बंदा सक्सेस की तरफ कदम नहीं रख पाएगा, वो सिर्फ छुपाने में ही लग जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जब हम छुपाना छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं शुरू से बताऊँ, मैं छोटी थी तो हमारा जो तो घर के पास एक पब्लिक स्कूल था वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। मैं क्वाइट गुड थी पर बहुत गुड चाइल्ड नहीं, पढ़ाई में मेरी बहुत ज़्यादा वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग नेचर नहीं था, मतलब सिंपल स्कूल था वो ज्यादा इंग्लिश में हाई फाई वहाँ पर नहीं बोली जाती थी, बहुत सिंपल स्कूल था। तो थर्ड तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी, थर्ड तक जब मैं स्कूल में पढ़ी तो मेरे हेल्थ इशूज थे बचपन में, तो
मेरा एक ऑपरेशन हुआ था एम्स हॉस्पिटल में, जो कि काफी लंबा ऑपरेशन था मेरी नेक का। तो उसके बाद थोड़ा मेरी हेल्थ इश्यूज ऐसे रहे कि मेरा स्टडीज की तरफ से ध्यान हट गया। बाकी मैं थोड़ी वीक चाइल्ड थी, मैं बहुत मतलब ये कह सकते थे एवरेज से थोड़ी कम ही थी, मैं बहुत ज्यादा हाई एजुकेशन तो वैसी नहीं थी, ठीक है, बट हार्ड वर्क करा जाए तो शायद मैं बेटर हो सकती थी। उसके बाद फिर जब हमने कुछ टाइम बाद हम वहाँ से शिफ्ट हुए, तो वो होता है ना फैमिलीज में कि सबके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़े, और हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे, और जो कि गलत भी नहीं है, हर शायद मैं भी ये चाहूंगी कि मेरा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, पर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी मुझे समझ में नहीं आती, कहीं ना कहीं सिस्टम की भी गलती है कि शायद हमारे अगर गवर्नमेंट स्कूल उसको बेटर बनाया जाता तो, या सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाए, तो ये जो एक हाई स्कूल का जो एजेंडा रहता है ना, देखते रहते हम ऊपर की तरफ, तो वो शायद थोड़ा हट जाता। बट स्टिल मैंने वो सफर किया, हम मुझे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया गया जहाँ इंग्लिश बोली जाती थी बहुत हाई लेवल की। अब आपके घर में इंग्लिश बोली नहीं जाती, आपकी मातृभाषा हिंदी या पंजाबी हो, और आपको हाईफाई स्कूल में माँ बाप इंग्लिश से भेजते कि हमारा बच्चा इंस्टेंट इंग्लिश सीखने लग जाएगा, वहाँ पर जाके क्या होता है कि वहाँ आपकी दुनिया हिल जाती, वहाँ एक अलग माहौल होता है जो आपने घर में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आपकी अपब्रिंगिंग बहुत ही नेचुरल आपकी मातृभाषा में होती है, आपने वो माहौल नहीं देखा, आप उस माहौल में एडजस्ट ही नहीं कर पाते, पहले आप अपने टीचर्स तक से बात करने में घबरा जाते हो, फ्रेंड्स की दूर की बात ही रह गई। और वहाँ पर एक तो मेरी, क्योंकि मैं एक एवरेज से बिलो चाइल्ड थी, जब मैं एक नॉर्मल स्कूल में भी बिलो चाइल्ड थी तो मैं हाई फाई स्कूल में कैसे एडजस्ट करता, वहाँ टीचर्स बोल रहे हैं इंग्लिश में लगातार, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, आ भी जाता था तो बहुत मुश्किल से। उसके बाद मैं पास नहीं हो पाती थी, बहुत मुश्किल से पास हो पाती थी, वो एक अलग मैटर है, मैटर वही है कि हाँ भैया मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं पढ़ूंगी कैसे, वो एक मैटर था। मेरी मम्मी ने मेरे फादर ने बहुत मेहनत करी मेरे ऊपर, बट स्टिल मैं बहुत ज्यादा कॉप अप नहीं कर पाई, मैं बुली भी हुई, गौरव वहां पे मुझे बुली भी किया था। और सबसे शर्म की बात ये थी, वहाँ बुली करने वाले आपके वो आपके को स्टूडेंट तो थे ही जो आपके साथ पढ़ते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पर जो टीचर्स थे वो भी बुली करते थे, पर उनका बुली बुली की तरीके से नहीं होता। अगर एक बच्चा वीक है तो उसको लगातार आप पनिश कर रहे हो, आप उसको लगातार स्कोल्ड कर रहे हो, या लगातार उसको इग्नोर कर रहे हो कि वो क्लास में होके भी नहीं है, ये जो चीज थी ना ये अंदर तक घुस गई थी मेरे, पता नहीं क्या चीज थी मेरे अंदर, क्या लाइट थी अंदर, या मेरे माँ बाप की चेहरे की चमक थी, या क्या था उनके अंदर जिसने इतनी पावर दी कि मैं उस चीज के बाद भी आज यहाँ खड़ी हूँ, वरना ये पॉसिबल नहीं था, शायद नहीं था, वरना जो मैंने 7th स्टैंडर्ड तक जो मैंने ये चीजें देखी है अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग माहौल में मैंने जो देखा है, हाँ बट वो बहुत बुरा था, वो मेरी जिंदगी के डार्क फेज में आता है, वो फेज था जब मैं सारा दिन स्कूल में बिना एक शब्द बोले रहती थी, और ये बहुत मुश्किल था। अगर आपने एक लाइन भी बोल दी इंग्लिश में ट्राई करने के लिए कि चलो आप उनके साथ घुल मिल जाओ, और आप एक वर्ड की भी मिस्टेक कर रहे तो वो मजाक में बन जाता था, तो आप कहते थे इससे बोलने का फायदा ही नहीं है, तो आप बोलते ही नहीं थे। अगर आप किसी एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज आप एक वीक चाइल्ड हो, आप वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और वेरी ऑनेस्ट, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये चीजें जड़ी हुई बहुत ज्यादा गहरी है, और आज भी है। मेरे बच्चे भी अब स्कूल्स में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, वेरी बहुत कम टीचर्स हैं जो ट्रेन लेना चाहती हैं, बहुत ही कम, रेयरेस्ट होती हैं, वरना सब खाना पूर्ति के लिए आती हैं, अपना कोर्स कंप्लीट किया, बच्चे की पीछे में टेन करी मार्क्स दिया, आपका बच्चा पढ़ ले रहा। मुझे नहीं लगता कि स्कूल, जबकि हर स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, तो बच्चे को देखे कि अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा या वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा क्लास के अंदर, तो वो बच्चा क्लास में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा। मे भी उस टाइम पर भी होते होंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरी काउंसलिंग आज तक नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। ये चीज बहुत इरिटेटिंग थी, बहुत इरिटेटिंग थी, बट बाय गॉड ग्रेस इन 7th क्लास में जब मैं थी तो एक टीचर थी, उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आप इसको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दो, ये लड़की वहां चल जाएगी।
पता नहीं उनको क्यों लगा। तो हमारी एरिया में ही एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट स्कूल था जो बहुत अच्छी वेल सोसाइटीज के अंदर सोसाइटी से घिरा हुआ था, तो वहाँ सारे सोसाइटी के बच्चे आते थे। मेरी मम्मा ने कहा चलो तुम यहाँ एडमिशन करवा दो, बहुत रोई थी, वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था पता नहीं मुझे कहाँ भेज रहे, बहुत। बट पर मैं सच बताऊँ वहाँ जाके मुझे लगा कि हाँ मैं अब अपनों के बीच में हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जैसे बोलने वाले लोग मिले। और वहाँ मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया, वहाँ से मुझे लगन भी लगी, मुझे अच्छा भी लगा, मेरे अंदर एक हेल्दीनेस आई बहुत ज्यादा। मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं खुश हुई वहां जाकर। ठीक है मैं एक एवरेज चाइल्ड थी, मैं कोई इंटेलिजेंट तो बन नहीं चाहूंगी एक दिन में, बट हाँ मुझे वहाँ अच्छा लगा। मैं कहती हूँ मैंने बहुत नहीं पढ़ा तो कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया, बट क्योंकि मैं कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर रही थी तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि जब मैं 8th में थी तो मैं शायद एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की तरह वहाँ बिहेव कर रही थी क्योंकि मैं सीख रही थी। 10th आई, हैरानी की बात है तुम्हें भी अजीब लगेगा, 10th में मेरी कंपार्टमेंट थी 2 सब्जेक्ट की और उसमें से एक सब्जेक्ट हिंदी है। कमाल की बात है कि आज मैं हिंदी में देख रही हूँ, थैंक्स टू गूगल, थैंक्स टू ये जो टाइपिंग ऐप्स है उनको। फिर क्या हुआ कि 10th में कंपार्टमेंट आई मैंने क्लियर किया, 12th मैंने कौशन में से कर। अब ये बहुत ये भी एक अजीब सी बात है कि मुझे 11th में मैंने बहुत स्कोर नहीं किया क्योंकि मुझे 12th मैंने उससे करी घर बैठ कर करी। ये बहुत बड़ा धक्का था लाइफ का। आपको घर बैठ के जब 12th करनी पड़ती है तो आप बहुत सारी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो। अच्छा लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा होता है मुझे लगता है। मुझे कहने को एक बुरा एक्सपीरियंस था आप तक की जर्नी का, बट मुझे लगता है कि आज मैं अगर सोचती हूँ तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला, मैंने अलग अलग तरह के लोग देखे, अलग अलग तरह की सोच के चीज़ों को देखा, उनको समझने की कोशिश करी। 12th मैंने घर बैठ के करी, 12th मैंने 1 गो में क्लियर कर ली जिसकी उम्मीद मेरे घर में किसी को भी नहीं थी कि मेरी पास हो सकती है, बट मैं हो गई गलती से। हाँ बट वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी और तब मुझे लगा कि जिंदगी में पहली बार यार मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर नहीं सकती। फिर मैंने ग्रेजुएशन करी 1 गो में, फिर मेरी मम्मी का अब क्या करना है, मैंने कहा मुझे M.Com करना है तो करो, मैंने वो भी किया। फिर मैंने जॉब करी कुछ टाइम, फिर मैंने आफ्टर मैरिज मैंने MBA किया, फिर आफ्टर मैरिज MBA के बाद मैंने BEd भी किया, मुझे कहा यू भी करना है पढ़ना है, पढ़ा। फिर बच्चे हो गए तो सोचा चलो मैं बच्चों के साथ जॉब कुछ टाइम करी थी मैंने, बट मैं अपने बच्चे स्पॉइल करके कुछ नहीं करना चाहती थी, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी और अपने बच्चों पर कॉन्सेंट्रेट किया। तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हुए, बहुत कुछ हुआ। कुछ टाइम पहले आज से 3 साल हो गया मुझे लिखते हुए, पर 3 साल ही नहीं है मेरे लिखने की जर्नी में। मैं ये कहूँगी कि अगर मैं वापस से बचपन में जाऊँ तो शायद मैं कभी लिखती थी कहानियाँ। मुझे आज भी याद है मैंने बचपन में बहुत छोटी सी थी, शायद 2nd या 3rd में थी, मैंने कहानी लिखी थी शनिदेव के ऊपर, पता नहीं मैंने कैसे, और मुझे आज भी वो याद है लकीली, पता नहीं कैसे याद है, वो मेरी फर्स्ट कहानी थी और वो मुझे आज तक याद है। और उस कहानी को किसी ने नहीं सुना, कमाल की बात है, क्योंकि एक वीक चाइल्ड की बात कोई नहीं सुनना चाहता। ठीक है तो पढ़ लो कहानियां बाद में लिखना, तो ये एक डायलॉग होता है और बहुत, अगर किसी ने सुनी भी होगी तो कभी दिल से नहीं सुनी या इस तरीके की फीलिंग आई मुझे, तो वो कहानी कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। उसके बाद काफी टाइम तक तो फिर मैं वापस आती हूँ, तो अब क्या होता है कि अब आप मैरिड हो, पढ़े लिखे हो, आप अपने घर के सारे काम कर रहे हो, अपने बच्चों को देख रहे हो, तो आप घर में मेज लगी हुई है, आप सारा दिन काम करते हो, बट अंदर में खालीपन होता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, वो बड़ा अजीब सा खालीपन था। तो कोरोना के बाद जब सेकंड वेव आई तो उस टाइम पर वो खाली वेव वो और बढ़ रहा था, मतलब अजीब सा सफोकेशन कहते ना जिसे, सांस नहीं आती, वो फीलिंग अंदर से बहुत अजीब सी हो गई कि हस्बैंड अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, वो अपना पढ़ रहे हैं, घर के काम मेड करके जाती है, मैं किस लिए हूँ। एक अजीब सा खालीपन की क्या मैं ऐसी पैदा हुई थी बस यही सब करके मर जाने के लिए, और मेरा कोई यूज नहीं है, या मैं इतनी वर्थलेस हूँ, या मुझमें कोई भी टैलेंट ना हो, मैं इतनी यूजलेस हूँ, कोई ईश्वर ने अगर मुझे जन्म दिया है, मैं अपने मम्मी पापा का
सबसे छोटी बेटी हूँ और मेरी सिस्टर के बाद मैं 8 साल बाद पैदा हुई। मुझे हमेशा से एक बार का ताना दिया जाता है कि तुम गलती से आ गई। मैंने कहा यार इतनी बड़ी गलती भगवान नहीं करता, अगर उसने जन्म दिया तो कोई तो रीजन है मेरे आने का, मैं ऐसे ही नहीं आई यहाँ पर, पक्की बात है। बहुत सफोकेटिव थी, मतलब कह सकते हो कि कहीं ना कहीं मैं डिप्रेशन में चली जाती, ये बात सच है। बट ठीक है, बाय गॉड ग्रेस ऊपर वाले ने साथ दिया। एक रात में बहुत रोई, मैं पूरी रात नहीं सोई। हमारे यहाँ पर हमारे घर के पास मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और कहीं दूर गुरुद्वारा, उसकी आवाज नहीं आती, पर मंदिर और मस्जिद नमाज की आवाज सुबह सुबह आती है, 4-5 बजे के टाइम पे जो सुबह की नमाज होती है, शायद जैसे की नमाज कहते हैं, तो उसकी आवाज आती है। जैसे ही वो आवाज आई ना, मैंने बस, और मंदिर की भी आवाज इकट्ठे ही आई बाई चांस, पता नहीं ऐसे कुछ हुआ था। तो उस मैंने एक ही चीज, मैं आंखों में आंसू थे मेरे, और मैंने एक ही चीज बोली थी परमात्मा, 3 साल जिस साल मैंने लिखना शुरू किया उससे 1 साल पहले की बात, मैंने कहा अगर मैं किसी भी लायक हूँ इस धरती पे, अगर मेरे को आपने किसी मकसद से भेजा है तो मुझे मेरे मकसद से मिला, क्योंकि मुझे वहां उस मकसद को जानना है। अगर मैं किसी लायक हूँ तो मुझे मेरे अंदर आपने कोई भी शफा डाली है, या मेरे अंदर कोई भी चीज है जिसके लिए मैंने धरती पे जन्म लिया, तो उस चीज से मुझे मिलवा दो। मैं सिर्फ रोटियां बनाने के लिए नहीं हूँ, या मैं सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं हूँ, या मैं सिर्फ, ये सभी करते हैं वो हर, और वो सब तो मुझे करना ही करना है। वो मेरे लिए कुछ स्पेशलिटी जैसी चीज, मुझे लगता है कोई स्पेशल चीज नहीं होती, ये हर औरत करती है, चाहे मैं कितनी ही बड़ी पदवी पे चली जाऊँ, ये सब तो मुझे तब भी करना ही करना है। वो मेरी डेली रूटीन का काम है, उसे मैं दैनिक क्रियाओं में गिनती हूँ, बट मेरी स्पेशलिटी नहीं है। मुझे जिस खास काम के लिए मैंने जन्म लिया, मुझे उस खास काम तक पहुँचाओ। शायद आज जो मेरे डेली रूटीन का काम है वो मैं दिल से नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो मैं उस चीज से जुड़ना चाहती थी। लिखती तो पहले भी थी, मैंने ग्रेजुएशन में एक डायरी लिखी थी। बड़ी अजीब सी बात है, सुनोगे तो अजीब भी लगेगा, मैं डेली रूटीन की डायरी लिखती थी। फैमिली में बहुत कुछ होता तो मैं सब कुछ लिख देती थी, क्योंकि मुझे अपने मन को हल्का करना होता था। एक दिन मेरी सिस्टर ने मेरी डायरी पढ़ी, और उसने, मैं सो रही थी, उसने मेरी डायरी जला दी, उसने मेरी डायरी जला दी। मैं बहुत रोई थी उस दिन, मेरे लिए वो डायरी बहुत कीमती थी, बट चल गई, क्या कर सकते हैं। फिर जब मैंने लिखना, जब मैंने तुम्हें बताया कि मैंने विश किया था, मैं सो गई उस दिन। 1 साल बाद अचानक, पता नहीं, हम विंटर्स में कहीं गए थे, तो आने के बाद मैं थोड़ी डिप्रेस्ड थी, क्योंकि जब सड़क पे फुटपाथ थे ना, लोग सो रहे थे, उन्हें देख कर मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं वहां से आई और बस में चुप थी, कुछ नहीं बोला मैंने, आंखों में आंसू थे। मैंने अपना फोन उठाया, मैं फेसबुक पे बहुत सारी चीजें पढ़ती रहती थी, लोग लिखते हैं, मैंने कहा इतना कुछ लिखते हैं क्या मैं नहीं लिख सकती। मन में फीलिंग, उस समय मन भरा भी हुआ था, तो मैंने एक लाइन लिख दी। लिखती मैं उससे भी पहले थी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था, तो उसे मैंने जेन्युइन लाइन लिखी, दिल से जैसे कहते हैं ना, तो मैंने पोस्ट भी कर दी। एक दो रिलेटिव ने उसको एक दो लाइक आए थे, पर मुझे लाइफ से क्या करना, पर मेरे को दिल में बड़ा अच्छी हल्की फीलिंग आई। मैं कहा यार मैं अच्छा फील कर रही हूँ, इतना अच्छा फीलिंग थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद फिर मेरे को कल अगले दिन दोबारा कुछ थॉट्स आ गए, मैंने वो भी लिखती गई। बहुत फाइन नहीं थे मेरे वर्ड्स या मेरी लाइन शायद, पर मैं दिल से लिख रही थी और मैं बड़ा हल्का महसूस कर रही थी। फिर मैं लिखती गई, मैंने लगातार कई दिन तक पोस्ट करा। फिर मुझे डर लगने लगा कि किसी से मेरे मन में कोई विचार ही नहीं आएगा तो मैं क्या करूँगी। फिर भी कोई सहारा लिया, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, कैसे राइटर्स ब्लॉक्स होते हैं, आप बुक्स पढ़ो। फिर मैंने पहली बुक मंगवाई, मैंने पहली बुक पता है किसकी पढ़ी, मैंने पढ़ी अनुपम खेर की फर्स्ट बुक पढ़ी, वो मुझे उसका नाम इस समय क्लियर नहीं याद, मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो रहा। मैंने पहली बुक उनकी पढ़ी जो उन्होंने कोरोना के टाइम पर लिखी थी, वो उनकी कोरोना बेस्ड बुक थी, तो मैंने वो पढ़ी। उसमें उन्होंने अपने कोरोना से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हुए थे, मैंने वो बुक पढ़ी और मैं उनको एडमायर भी करती हूँ, क्योंकि
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी लाइफ जर्नी भी ऐसी थी कि एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जिसे एक काफी अरसे तक इंग्लिश नहीं आती थी, वो आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश बोलता है, मूवीज करता है, और कहीं ना कहीं वो तोतले थे और उन्होंने आज उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं या एक्ट करते हैं, उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा उसके बावजूद वो आज खड़े हैं। तो और उनका एक वो प्ले है जिसमें वो कहते हैं, हर जगह वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज मेरे अंदर बहुत गहरी थी कि हाँ, और आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे भी लगता है हाँ कुछ भी हो सकता है। वो जो गुमसुम बच्चा था वो आज बोल रहा है, आज वो कुछ पाई शो होस्ट कर रहा है, वो आज इतनी डिग्रियां लेके बैठा है, जब वो कुछ भी हो, अगर वो बच्चा वहां से यहाँ तक की जर्नी तय कर सकता है और कॉन्फिडेंस के साथ जी सकता है, आज वो किसी से बात करने को डरता नहीं है, आप प्राइम मिनिस्टर को खड़ा कर दो वो उससे बात करने को रेडी है, मुझे डर नहीं लगेगा, मुझमें आज उतना कॉन्फिडेंस है, और ये सबका श्रेय मैं अपनी मदर और फादर को देती हूँ। कि अगर कोई और पेरेंट्स होते तो शायद कहते कि ये बच्चा इतना कमजोर है, ये कुछ नहीं करेगा जिंदगी में, पेरेंट्स खुद ही स्कोल्ड करते हैं अपने बच्चों को, डीमोटिवेट करते हैं सोसाइटी के डर से, पर उन्होंने मुझे कभी स्कोल्ड नहीं किया, मुझे कभी डीमोटिवेट नहीं किया, वो मेरी ताकत है। तो वही एक कारण था कि मैं हिम्मत, मेरे अंदर जो आज हिम्मत है वो वहीं से आई है, पूरा 100% मैं उसका श्रेय उनको देती हूँ। देन मैंने वो बुक पढ़ी, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बुक पढ़ी, क्या खोया क्या पाया, फिर मैंने बुक पढ़नी शुरू करी। अच्छा, लेकिन मैं पढ़ती जाती थी, पर मैं वेरी फ्रैंक, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती, बट मैं पढ़ती जाती थी, मुझे अच्छा लगता था पढ़ के, बस मुझे इतना पता है, मैं और कुछ सोचती नहीं थी, करते बस करती जाती थी, फिर ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में जो आता था मैं लिखती गई। मुझे अमृता प्रीतम जी ने बहुत ज़्यादा टच किया, बहुत ज़्यादा टच, पता नहीं क्यों, बट मेरे अंदर उतर गई वो। मुझे लगता है कि आज मैं सोचती हूँ तो कभी कभी लगता है जैसे कोई रिश्ता है, मैं अपने मेरे कभी रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ मेरे जन्मों की बिछड़ी सखी हूँ, पता नहीं मुझे उनमें अपनी सहेली को दी है, और हमेशा से मुझे लगता था कि मैं यहाँ, मैं आज जो दौर चल रहा है मॉडर्नाइजेशन का, मैं वहाँ रहती रहूँ, बट मैं हूँ आज भी कहीं पीछे गाँव दराज हूँ या पिंडों की रहने वाली, वो फीलिंग अंदर से आती है मॉडर्नाइज होने या आज के समय में रहने के बाद भी। तो बस फिर लिखना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी ना जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखती थी लोग बोलते थे लाइव आकर, मुझे लगता था यार मैं बोल नहीं पा रही, मैं लिख तो पा रही थी पर मैं बोल नहीं पा रही, मुझे बोलने से डर लग रहा था। घर में तो आप जितना मर्जी बोल लो बट आपको बाहर बोलना पड़ता है जब आपको कहीं कुछ करना होता है, तो वहां एक डर लग रहा था, क्योंकि एक अरसे तक आप घर में आंटी की तरह जी रहे होते हो तो आपको बाहर निकलने से डर लगता है, प्लस उस आंटी पढ़ने के पीछे कुछ फैमिली की बहुत सारी एक्स वाई जेड रीजंस होते हैं जो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, तो कहीं ना कहीं मैं वो एक आंटी पना आ गया। फिर मैं लिख तो रही थी, यहाँ पर एक चीज और मैं करना चाहूंगी, लिखने में सपोर्ट करने वाले मेरे हस्बैंड, सबसे बड़ा सपोर्ट उनका रहा, मेरे पहले लिसनर वही थे हमेशा, मुझे मैं कुछ भी लिखती हूँ पहले उनको सुनाती हूँ और अपनी माँ को सुनाती हूँ, इनको सुनाए बिना तो मेरे को मन में चैन नहीं आता, मेरे हस्बैंड कहते हैं मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आता बट मैं सुन लेता हूँ, तो तुम बोलती हो तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो सुन लेते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, और वो फर्स्ट लिसनर होते हैं। तो मैंने लिखना शुरू किया, फिर अब बोलने से डर लगता था, मैंने एक पोएम लिखी थी, तो मैंने इंस्टाग्राम पर ही मैंने शेयर करी, मैं नाम मेंशन करना था क्योंकि मेरी मेंटोर के तौर पर या मेरे सपोर्टर के तौर पर मैं उन्हें को बहुत एडमायर करती हूँ, और मेरे लिए रियली आई मीन कि वो, मैं उनको बहुत मानती हूँ, उनका नाम है संचित जी पोगिया, उनको मैंने अपनी पोयम भेजी, तो उन्होंने कहा आप अपनी आवाज़ में बोलो, आप इनको अच्छा लिखते हो आप अपनी आवाज़ में बोलो, तो मैं बोल नहीं सकती, मैं लिख सकती हूँ, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता, उन्होंने कहा ट्राई तो करो, चलो अब कह रहे हो, तो मैंने पहली रिकॉर्डिंग करके उनको भेजी, पहले तो मैंने खुद ही सुनी थी, अजीब सी, मुझे बोलने का तरीका नहीं था, कैसे बोला जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इतना डर कि एक्सप्लेनेशन से भी बाहर था। तो फिर मैंने उनको भेजा, उन्होंने सुना और मुझे करेक्ट किया,
मैसेज पर ही उन्होंने मुझे बोल के दिखाया, फिर मैंने उनके बोल के दिखाया, उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप सिखाया। एंड देन आज उन्हीं की बदौलत है कि आज मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं वो एक स्टार्टअप होता है ना, एक पॉइंट होता है, आपको लोग हेल्प करते हैं, तो वो हेल्प उन्होंने करी, फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी। आज लोग कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, और मैं हैरान होती हूँ कि मैं वही बात है जो पहले बार रिकॉर्ड किया था, तो एकदम बेकार सी थी। फिर लिखने के अंदर मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी कि मैं रीचेक नहीं करती थी, इसका श्रेय मैं शिव गौरी को देती हूँ, उसने मुझे सिखाया, क्योंकि उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम पर, शिव गौरी ने, क्योंकि मैंने उसको अपना एक ब्लॉग भेजा था, तब उसने मुझे कहा था कि प्रभा आप बहुत अच्छा लिखते हो, बट आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो आपकी रीच को या लोगों के प्रति आपके अट्रैक्शन को कम कर देगी। तो वहां से फिर मैंने रीचेकिंग का दौर शुरू हुआ, लिखने को लेकर मैंने वहां पर अपने आप को करेक्ट किया, धीरे 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 ये सब इस तरीके से चालू किया। इतनी जो सुंदर कहानी है आपकी प्रभा जी, और कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ पूछना। सुंदर तो नहीं, बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। और जैसे ही आपने बोलना शुरू किया, उससे अभी पता नहीं नॉन स्टॉप तकरीबन 20 मिनट तो हुए होंगे कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि आपने नॉन स्टॉप बोला है। तो जो भी बातें आपने कही हैं कि मैं बोल नहीं पाती थी, या जो भी आपने बचपन में जो बुलिंग देखी, वो सब आपने ओवरकम किया और आज आप जिस स्टेज पे हैं, जैसा आपने खुद ही कहा कि आपने एम कॉम किया, MBA किया, BEd भी किया, साथ में बच्चों को अच्छे से परवरिश देना, घर चलाना और खुद अपने ऊपर भी काम करना, तो इससे इंस्पायरिंग मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है। हम बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, बट वो फिर भी गिव अप कर देते हैं, बस अपनी लाइफ में चले जा रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या करना है। बट आपने जिस तरीके से इतने चैलेंजेस झेल लिए, मैं सिर्फ अभी बहुत सी चीज़ें तो मैं नोट ग्रास्प भी नहीं कर पाया, नोट भी नहीं कर पाया हूँ कि आपने जो पूरी कहानी जो बताई है, मैं बस सुनने में इतना मग्न हो गया था कि बहुत सी जगह मैंने रिलेट भी किया और बहुत सी जगह मैं समझना चाह रहा था कि क्या आपकी मेंटेलिटी या स्ट्रगल रहा होगा उस टाइम पे। तो कुछ कहने से पहले, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये जब भी स्टोरी जो भी सुनेगा वो एक बात पे अग्री तो करेगा ही कि ये बहुत इंस्पायरिंग है, और जो भी सुनेगा उसको कहीं ना कहीं ये इंस्पायर करेगी आपकी स्टोरी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। और आपने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जिनमें से मोटा मोटा मुझे जो जो मैंने नोट किया वो था कि सबसे पहला तो कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, आपने बताया कि कैसे वहाँ पे हम इक्वालिटी नहीं है हर तरह के स्कूल में, और बिल्कुल नहीं है, स्पेशली बिल्कुल नहीं जैसे जी जैसे आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश में जाते हैं, तो वो तो एक चैलेंज है। आप नॉर्मल मेरा भी अगर मीडियम इंग्लिश ही था, मानोगे आप, एक्चुअली बता क्या है, मेरा जी मेरा इंग्लिश था, इवन शुरू से इंग्लिश मीडियम ही रहा, बट क्या ओके होता है कि हमारे यहाँ के जो सिस्टम में, ये बात मैंने कैसे कह कैसे समझाऊं, हम पढ़ते हैं, हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं, हमें स्कूल में दिखाया जाता है, बस स्कूल में अगर आप इंग्लिश भी पढ़ाते हो तो टीचर चाहता है कि आप सीधा जाके इंग्लिश में ही सीखना शुरू करो, आप जी उसको हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करते। अब क्या होता है कि आपके घर का माहौल हिंदी का है, अब आप कहोगे कि अब आप स्कूल में इंग्लिश बोल रहे हो, अचानक से जाके वो हिंदी का है, वो बच्चे वहाँ पिस जाते हैं, जिनके घर के माहौल मिडिल क्लास फैमिली में, हम सब हिंदी में बात करते हैं, हमारी मातृभाषा या पंजाबी है, वहां जाके एकदम से जो चेंज ओवर होता है वो दुनिया बदल देता है, जी जी और वो जी आप हर बच्चा उस चीज को कॉप अप नहीं कर पाता। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का ही काम है कि आप इंडिया में रहते हो तो आप उस चीज को कॉप अप करो, पर हम उसको कॉप अप करके नहीं चलते, हम बच्चों को अंग्रेज बनाने में लग जाते हैं। ये बहुत अजीब सी चीज है कि हम जी चाहते हैं हमारा बच्चा अंग्रेज बन जाए, अरे भाई क्यों, कहीं ना कहीं ये भी एक सिस्टम की कमी है कि हमारे यहाँ इंग्लिश में सारे काम होते हैं, हम आजाद भारत में रहते हैं तो हमारी भाषा हिंदी क्यों नहीं है, आज की डेट में पूरी तरह से हिंदी करना पॉसिबल नहीं है, बट बाईलैंगुअल लैंग्वेजेस होनी चाहिए, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलजुल कर भी बात कर सकते हो, बट जी ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, आधे लोगों को आधी चीजें नहीं समझ में आती, इंग्लिश से क्लास आज भी मैं सच बताऊं
जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से आधे लोगों को इंग्लिश नहीं आती। एमएनसी जाने के लिए इंग्लिश सीखते हैं लोग, जी वेरी ऑनेस्ट। इंग्लिश बोलने का मतलब है आपको एक अच्छी सैलरी की जॉब मिलेगी, आपको अच्छा पैसा मिलेगा, बस। आजकल पढ़ाई पैसा कमाने के लिए की जा रही है, किसी को फर्क पड़ रहा है यहाँ पे कि सोसाइटी की अपग्रेडेशन हो रही है नहीं हो रही, बच्चा कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा, बस। वो एक नंबर की रेस है जहाँ बच्चे भागी जा रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मैं ये बोलूं कि एक आपको नॉर्मली भी स्कूल चेंज करना होता है, जैसे अगर मैंने 2 या 3 स्कूल चेंज किए, अगर मैं अपनी बात कहूं तो अगर आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं उस एज में, यंग एज में, तो वो भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप एक पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, टीचर चेंज हो जाते हैं, प्लस जो आपके पुराने दोस्त होते हैं वो छूट जाते हैं, और जब बच्चे को वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता और नई जगह तो और ही दिक्कत होती है। और ऐसे में अगर आपके टीचर सपोर्टिव नहीं हैं, और जैसे आपने बताया कि लैंग्वेज इशू, मतलब समझने में दिक्कत आती है, वो अलग चीज़ है, प्लस आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे बचपन में, तो ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और ये अच्छी बात आपने एक जो बताई वो अपने पेरेंट्स की बताई, कि किस तरह से उन्होंने सही तरीके से पेरेंटिंग की और आपको सपोर्ट दिया। वरना ये भी कॉमनली देखा जाता है कि अगर कोई बच्चा उतना आगे नहीं बढ़ रहा तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा पीछे करके दूसरे बच्चे को आगे कर देते हैं। माँ बाप करना चाहे तो भी नहीं कर पाते, तो और हाँ, ये भी सोचो रीज़न उनको है। तो जी सोसाइटी का प्रेशर होता है, वो करना जी चाहेंगे तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही बाहर निकलेंगे चार लोग बताएंगे हमारा बच्चा ये कर रहा, हमारा बच्चा वो कर रहा, हमारा बच्चा ये कर रहा है। तो घर आके क्या होता है, अल्टीमेटली अपने बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं कि तू क्या कर रहा है। हाँ, ये वहाँ बहुत भी बड़ा इफेक्ट, जी, वो भी ये इमेच्योरिटी है हमारी इम्पैक्ट सबसे सोसाइटी बड़ा की। है। जी, तो एक तो ये बात थी, और जो बुलिंग वाली बात थी, आई वो भी बड़ा कॉमन था, और उससे भी जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल पे, और जो सेल्फ वर्थ हमारी जो होती है वो डैमेज हो जाती है। तो कूडोज टू यू कि आपने वो सब ओवरकम किया, और जैसे जो जो चीज़ें आपने बताई कि आपने लिखना शुरू किया था और उसको फिर आप डायरी लिखती थी, तो जाने और कहीं पे आपने काउंसलिंग नहीं की, तो जाने अनजाने में आप खुद ही काउंसलिंग कर रहे थे अपना, है ना, जो मुंह बचपन पर का जो दवा भी। चलवा था। जी, आपको पता नहीं था, बट आप इनडायरेक्टली अगर आप डायरी लिख रहे हो डे टू डे, और वो अपना आप वेंट आउट कर रहे हो चीज़ें, तो आप अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो भी काउंसलिंग का ही पार्ट होता है, तो आप अपनी काउंसलिंग खुद ही कर रहे थे। और अब पता क्या होता कि जी कोई आपके लिए कुछ नहीं करता, वेरी ऑनेस्ट। हम सब कहते हैं हमने किसी के लिए कुछ कर दिया या कुछ कर दिया, तो क्या कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। ये जो आज की सोसाइटी है ये बहुत ही मीन सोसाइटी है, कहीं ना कहीं गिव एंड टेक होता है, ठीक है। बट मैं ऐसा 100% नहीं कहती, कई लोग हैं जो दिल से जीते हैं और दिल से ही काम करना चाहते हैं, सारे नहीं करना चाहते। बट कहीं ना कहीं ये था कि आपको अपनी लड़ाई खुद करनी लड़नी पड़ती है, आपके लिए कोई लड़ेगा नहीं, आपको अपने आप को खुद स्टैंड करना पड़ता है, कोई आपके लिए खड़ा नहीं हो जाएगा, आपको सपोर्ट देने वाले हो सकते हैं आसपास, बट अल्टीमेटली आपको ही काम करना। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लू तो महाभारत में कृष्ण सारथी जरूर थे, पर तीर उसे ही चलाना पड़ा, कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लोग कैसे लेते हैं मैं नहीं जानती, बट मैं धर्म ग्रंथों को हमेशा एक पॉजिटिव और लर्निंग वे में लेती हूँ, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। सवाली मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको सीखना हो तो आपके अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए। लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं और बस वो हाथ जोड़ देते हैं, बट कुछ सीखते नहीं है। और मुझे लगता है कि धर्म ग्रंथों में सीख है जो आपको लेनी चाहिए। कृष्ण का जो संदेश है वो कितना क्लियर था कि तो काम तुम्हें ही करना है, मैं सिर्फ खड़ा रह सकता हूँ, सपोर्ट दे सकता हूँ, हिम्मत दे सकता हूँ, पर अल्टीमेटली काम तुम्हें ही करना है। अगर तुम हिम्मत नहीं करोगे तो मैं सपोर्टिव नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ करना तो मुझे ही है, बिल्कुल, जैसे आप वो कह रहे हो करता कि हूँ। मतलब आपको पहले खुद खड़ा होना पड़ता है, तो वो फैक्ट है, अगर आप खड़े ही नहीं होंगे, अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो कोई और आपको सपोर्ट कर भी नहीं सकता, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जैसे धर्म ग्रंथों की जो आप बात कह रहे हो कि लोग सिर्फ हाथ जोड़ देते हैं और उसको समझते नहीं है, ये मैं भी बहुत ज़्यादा इस बात से एग्री करता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले ही हमारी बात हो रही थी कि जैसे हम बहुत से मंत्र पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र मंत्र हुआ या और भी बड़े सारे मंत्र हैं, तो मुझे वैसे तो याद रहते नहीं, और मैं बहुत अपने आप को धार्मिक नहीं मानता, लेकिन जब एक दिन मैं मीनिंग पढ़ रहा था उस गायत्री मंत्र का भी, तो वो बहुत अच्छा मीनिंग है उसका। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को रटवा देते हैं कि भाई मंत्र पढ़ लिया तो उसका असर ऑटोमेटिकली हो जाएगा,
बट जो उसका असर होगा ही नहीं, वो क्योंकि असर तब कैसे होगा बचपन जब तक आप अपने उसको अंदर समझोगे ही होता नहीं। है, वो असर होगा ही नहीं। जी, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताती हूँ, मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, मैं वेरी ऑनेस्ट बताऊँ, मुझे सब कुछ पढ़ने का शौक है। और ये भी एक अजीब सी बात है, जो पढ़ता नहीं था उसे आज अपने पढ़ने का शौक है। मैं एक पड़ोस में आंटी रहती है, वो क्रिश्चियन है, वो कन्वर्ट हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बाइबल दी। मैंने कहा चलो हम आंटी दे दो, तो उनके हस्बैंड जबकि क्रिश्चियन नहीं है, तो वो कहते तुम इनको क्यों दे रही हो, तुम बन गए तो ये भी बन जाए क्या। मैं कहा अंकल मैं नहीं बनती, चिंता मत करो, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, बस सीखने का शौक है, मैं सीखूंगी, मैं अपनी मतलब की चीज लूंगी, बाकी सब छोड़ वही छोड़ दूंगी, मुझे वही पढ़ना है जो मेरे के लिए जरूरी है। और लकीली मानोगे गौरव, मेरे आसपास मुस्लिम फैमिलीज भी है जिनसे मेरी बात होती रहती है, लगातार होती है, सबसे होती है, मतलब पता नहीं मेरे साथ सभी नॉर्मल बात करते हैं, और मैं इस बारे में अपने आप को लकी मानती हूँ। तो मैं बाइबल पढ़ रही थी, वैसे मैं नहीं जान मैं ये नहीं कहती कि बाइबल को पूरी तरह से एडमायर किया जाए, या उसको पूरी तरह से नहीं जाए, या उसकी सारी बातें सही है या अच्छी बुरी, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। पर पहली पेज पर एक बात लिखी थी कि हम ये जानते हैं कि ये पुस्तक आपको आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रेरित करेगी, ठीक है, आपके जीवन के सवालों को सुलझाने में आपकी मदद करेगी। मेरी मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ मुस्लिम फैमिली की है, तो एक लड़का है मुझसे, वो बात करती रहती है, उसने मुझे बहुत अच्छी बात दी, कहता है कुरान के पहले पेज पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो और समझ ही नहीं रहे हो तो आपके कुरान पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप इसको जब तक अंदर नहीं उतारोगे तब तक वो चीज आपके लिए कोई फायदा नहीं है। पढ़ने वाले कितने हैं जो पंडित बन जाते हैं पर उनको उनके मायने तक पता नहीं, बिल्कुल गलत कुछ नहीं होता, आपकी सोच, आपका दायरा कितना है, आप किस लेवल तक चीजों को जानते हो, ये सारी मेन बात होती है। जी, अग्री। और अगर आप समझोगे नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है, आप कुछ भी पढ़ लो। इनफैक्ट जो हम पढ़ाई भी करते हैं स्कूल में, अगर हम वो समझ के नहीं करते तो उसका क्या फायदा होता है बाद में, हम सबको पता है वो फ्यूचर में वो कुछ काम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल बट जो चीज़ हम बिल्कुल समझ के करते हैं, वो चाहे वो लिखना पढ़ना ही हो, हिंदी या इंग्लिश, वो पूरी लाइफ काम आती है। बट जो हम ऐसे रट्टा मार के या फिर बस सिर्फ पास होने के लिए या मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, वो कहीं काम नहीं आता। और रही बात अब धर्मों की, तो मुझे लगता है जितने भी धर्म है उनका सबका एम तो एक ही था कि लोगों को एक सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो लोग अपना जो भी हमें करना है वो हम कर सकें, उस रास्ते पे चल सकें। बिल्कुल जैसे अब बिल्कुल चाहे गीता हो, या फिर आपने अभी बाइबल की बात बताई, या फिर कुरान की बात बताई। मैं गुरबानी भी पढ़ती हूँ गौरव, और गुरबानी को अगर आप पढ़ोगे, अच्छा मिस इंटरप्रिटेशन आज के टाइम पे हर जगह है, अगर आप गुरबानी भी पढ़ते हो, गुरबानी जो गुरुओं ने गुरबानी लिखी है, जो गुरबानी है, तो आप पढ़ते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इतने अच्छे से पढ़ोगे, अगर मन से पढ़ोगे तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, पर बशर्ते कि आप उसको समझ के पढ़ रहे हो, सिर्फ किताब खत्म करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो कि मुझे इतने देर में बुक खत्म करनी है। बिल्कुल मैं बहुत स्लो रीडर हूँ और बहुत ही स्लो राइटर भी हूँ, मैं बहुत कम लिखती हूँ, पर जितना लिखूँ मुझे होता है जो मैं लिखूँ वो अंदर की गहराइयों से निकले, और जो मैं लिख रही हूँ वो मेरे साथ साथ मेरे पढ़ने वाले के भी दिल में घर करे, तभी मैं लिखूँ। जो कि सही तरीका है लिखने और पढ़ने का। और पता नहीं मुझे भगवान नहीं जानता नहीं है। बहुत सही तरीका है। इनफैक्ट हम सभी गिल्टी होते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ा, स्पेशली सोशल मीडिया में, और लाइक कर दिया, कुछ भी लिख दिया, हाँ जी बहुत बढ़िया, और उसको हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये सब के साथ होता ही है। हाँ, जैसे आपने बताया कि गुरबानी हो, या फिर आप हम गीता पढ़ते हैं, या फिर जैसे अभी आपने बाइबल की भी बात बताई, इन सब में जो बातें कही गई हैं उनका सीधा सीधा तो मतलब यही है कि वो एक तरह की गाइड है हमारे लिए, कि जब हम मुश्किल में फंसे हैं, हमें जो क्वेश्चंस आते हैं हमारी लाइफ में, सिचुएशंस आती हैं, तो उनको हम रेफ़र करें और अपना मीनिंग निकालें। तो आई एग्री जो आप बता रहे हो कि वो उसको एज ए गाइड यूज़ करना चाहिए, बट हम उसका अलग ही मीनिंग निकाल लेते हैं, जो हमारा इंटरप्रिटेशन होता है वो अलग हो जाता है, और फिर हम आपस में सही उलझ बात वो जाते भी हैं। कह सकते हो, बट वो ये कि आपको सीखना है। जी अगर सच बताऊं तो हमारी लाइफ टाइम, अगर हम देखें कितनी लाइफ टाइम है हमारी, ठीक है,
एवरेज पहले कभी 100 होती थी, आज 80 हो, फिर धीरे धीरे 80 पे आई है। अब एवरेज लाइफ टाइम जो है 60 से 80 के बीच में है आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, 60 से 80 के बीच में लाइफ स्टाइल है, आपकी एज करेक्ट. लिमिट रह जाती है, ठीक है। बट इतनी सी लाइफ स्पैन में भी आप सोचो कि हम, मैं खुद को भी, मैं किसी से शुरुआत नहीं करती, मुझे लगता है हर चीज की शुरुआत हमें अपने से करनी चाहिए। अगर मैं अपने से शुरुआत करूं गौरव, तो मेरी इस समय एज है, मैं मिडल एज में हूँ, मैं 40s में आने वाली हूँ थोड़े ही सालों में, ठीक है। मेरी आधी जिंदगी बीत गई और मुझे आधी जिंदगी में भी कई बातें अब जाके समझ आनी शुरू हुई, तो इसमें किसका दोष था? मैं इसको किसी का दोष नहीं दूंगी, मैं इसे अपना दो, ये किसी का भी दोष नहीं है। इसका मतलब, अच्छा आज हमें 40 की एज में जो बातें समझ आ रही हैं, अगर मैं पीछे जाऊं कुछ सालों पीछे या कुछ खरबों पीछे, तो कहा जाता है कि 8 साल का बच्चा ज्ञान देता था उस जमाने में, तो यानी कि उसे उस 8 साल में वो ज्ञान होता था। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, मेरी एजुकेशन भी इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है। तुम खुद, अभी तुमने खुद कंप्यूटर्स में काम किया है, तुम अब पोइट्री में आए हो या लिखने में आए हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी जो सोल थी वो राइटिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। हमें हमारी सोल तक पहुंचने में इतना टाइम लग गया, बट ये टाइम पहले नहीं लगता था, क्यों? क्योंकि हमने एक मेटेरियलिस्टिक दौर से अपने आप को निकाला, हमने स्कूलिंग करी वहां सब मेटेरियलिस्टिक, हमने कॉलेज किया वहां सब मेटेरियलिस्टिक, क्योंकि माँ बाप पढ़ाते हैं, बच्चा बड़ा होगा, जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, उसके बाद घर बसाएगा, इसके आगे हम कुछ सोचते ही नहीं है। हम अपनी पर्सनल खुशियों के बारे में या पर्सनल हम किस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे, हम उस चीज की तरफ कभी ध्यान नहीं देते। हमारी मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी ने हमें हमारी गोल तक पहुंचने में देर हो गई हमें, पर ऐसा सबके साथ तो उन लोगों के साथ नहीं हुआ, क्योंकि तो तब मेटेरियलिज्म कम था। अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट किस काम का जो हमें हमसे मिलने में इतनी देर करवा दे, हमें खुद से मिलने में इतनी देर लगी, वो करेक्ट. मेटेरियलिज्म किस काम का? हमें उसको कहीं ना कहीं कुछ, इसका मतलब कि हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है। ज्यादातर मैं केसेस सुनती हूँ मेरे आसपास, मैं एक टॉक शो चलाती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, ज्यादातर केसेस में यही होता है कि जो कभी नहीं पढ़ना चाहते थे या अपने स्कूल टाइम में बिल्कुल नालायक थे, आज वो बड़े बड़े लेखकों में तब्दील हो गए, या जो बिल्कुल गुमसुम थे वो आज इतने एक्सट्रोवर्ट हैं। वो कभी गुमसुम नहीं थे, वो कभी नालायक नहीं थे, वो कभी पीछे नहीं थे, उनको लोगों ने देखा ही नहीं, उनको समझा ही नहीं, उनको जाना ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उस स्केल पे नहीं आ रहे थे जिस स्केल पे दुनिया ने हमें, वो मेटेरियलिज्म का जो स्केल है उस स्केल को वो उस एज में टच नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तो भाग रहे हैं, वो चाहते हैं कि सारे भागे। अब सारे, सबकी रेस अलग होती है, कछुए की रेस अलग है, पर वो जीतता वही है, वो सब खरगोश थे और वो चाहते हैं हम सब खरगोश बन जाएं। तो ये जो करेक्ट. चीजें है ना, ये चीजें हमें इरिटेट कर रही है और हमें हमारे गोल तक पहुंचने में रोक रही है। तो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत है। कोई नलायक नहीं पैदा होता, कोई बैकवर्ड पैदा नहीं होता, हम सबको परमात्मा ने एक स्पेशल पावर दी है, हमें अपने पावर को पहचानना होता है। अब उस पावर को हम कैसे पहचानेंगे, ये हमारी सोसाइटी का लाइफस्टाइल, अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो हम अपनी उस पावर तक 100% कम एज में भी पहुंच सकते हैं। आज भी मैं देखती हूँ मदर्स नहीं चाहती कि उनके बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज में जाएं या दूसरी एक्टिविटीज में जाएं। बहुत रेयर पेरेंट्स होती हैं जो खुद झेल चुके होती हैं, जो चाहते हैं कि जो हमने जो खोया है वो हमारे बच्चे ना खोए। बस कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के पेरेंट्स ही ऐसा करते हैं, मतलब हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ना कुछ बनाना चाहता है, वो चाहता है कि वो कमाए खाए और लाइफ में सेटल्ड हो जाए। पर एक बात यहाँ पर और भी है, ये सभी बच्चे जो आज डॉक्टर बन जाएंगे, लाखों रुपए कमा भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, एक सर्टेन एज आएगी जब इनके पास एक वैक्यूम होगा जिसको ग्री भरना इनके लिए ग्री इम्पॉसिबल होगा, जिस वैक्यूम को भरना इनके लिए इम्पॉसिबल होगा। और इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी इन धरती पर, मैं इंडिया की बात नहीं करती, मैं किसी कंट्री की बात कभी नहीं करती, मैं ओवरऑल बात करती हूँ कि, क्योंकि पता नहीं मुझे
मुझे क्षेत्रों में बंद के बात करना पसंद नहीं आता, मुझे लगता है बात करनी है ना तो पूरी धरती की करूं। आप एक टुक आप सभी इस धरती का हिस्सा हो, हम सभी, अगर मैं यहाँ बैठ के कुछ बात कह रही हूँ तो इसका इम्पैक्ट आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी इस पूरी दुनिया पे पड़ता है, हर इंसान पे पड़ता है जो मेरे जैसा होगा। मैं नहीं जानती मुझे कितने लोग सुनेंगे, अगर कोई एक भी सुनेगा जो सात समुद्र पार भी बैठा होगा, अगर उसके लिए मोटिवेशन है तो वो मेरी बात का महत्व रखती है। तो आने वाले वक्त में पूरी धरती इसी डिप्रेशन का शिकार होगी जो उसको 60 से 70 की एज में मिलेगा, और जब वो अपने डेड बेड पर होगा तो वो उसके पास, मैं कहती हूँ, लाखों रुपए के महल भी हो सकते हैं, बट स्टिल उसने अपनी जिंदगी जी भर के नहीं जियो की। उसने अपने उनमें से कितने ही बहुत अच्छे पेंटर हो सकते होंगे, कितने बहुत अच्छे सिंगर हो सकते होंगे, कितने बहुत अच्छे लेखक हो सकते होंगे, कितने बहुत अच्छे क्रिकेटर हो सकते थे, लेकिन इनमें से वो कुछ भी नहीं थे, वो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनकर रह गए। और वो उस टाइम पे अगर तुम याद भी करोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना गौरव। करेक्ट, तो ये अग्री। चीजें हैं, मुझे यही लगता है कि यहाँ पे इन्हीं चीजों में रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैं सच बताऊं, जब से मैंने लिखना शुरू किया मैं जिंदा हो गई, मुझे ये लगा, मुझे लगा मतलब ये एक ऐसा काम है जिसमें मैंने कुछ कमाया नहीं, लेकिन बिना कमाई के मैं घर के काम भी करती हूँ रोज, घर के काम में भी औरत कुछ नहीं कमाती, लेकिन एक टाइम आता है कि आपके अंदर एक मोनोटनेस आ जाती है, आपका मन ही नहीं करता। वाकई गौरव, मेरा कई बार मैं अपने घर को नहीं संभालती, मैं इतनी इरिटेट हो जाती हूँ कि मेरा मन नहीं करता कि मैं घर की एक चीज उठा के इधर से उधर रख दूँ, और ये सच में मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से होता है। इसे तुम डिप्रेशन कह सकते हो, बोरियत कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया, ये एक ऐसा काम है जो मैं बिना बोर हुए कर सकती हूँ। मुझे सुबह उठ के बस किताब उठानी होती है, बालकनी में जाना होता है, उसे पढ़ना होता है, वो जो टाइम होता है मैं लगता है जिंदा हो जाती हूँ। वो एक ऐसा काम जो मुझे बिना किसी इनकम के भी इतना प्यारा लग रहा है कि मैं उसे रोज कर सकती हूँ, तो मेरे लिए मेरी इनकम यही है। वेल सेड। अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना होगा प्रभा जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया तो राइटर नहीं बन सकती, या मतलब पेंटर नहीं बन सकती, या कुछ भी, और टैलेंट तो होता ही है सब में कुछ इनहेरेंट। पर जो दिक्कत अभी करेंटली जो मुझे समझ में आती है ना, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम लोग बैलेंस नहीं बना पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं हो कहती हूँ सकता पूरी है, दुनिया नहीं बन सकती, बिल्कुल सही हाँ कह रही हो, करेक्ट। बट अगर आपके अंदर आप सब कुछ करो, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ यही नहीं, कि आप कमाओ मत, देखो इनकम बहुत जरूरी है, सर्वाइवेंस, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आप उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, वो जी आपकी नीड है और आप करनी करनी है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि आप उतना कमाओ जिसमें आपका घर अच्छे से चल जाए, आपकी एग्जैक्टली जरूरतें अच्छे से पूरी हो जाए, ठीक है, और उसके बाद जो बच जाए उसमें आप अपना धर्म कर्म भी करो, कुछ बचाओ भी और कुछ सेविंग भी करो, हर चीज का प्रावधान हमारे धर्म के, हम नारे धर्म ग्रंथ देते हैं, और जी वो जरूरी भी है, और अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं होता, ये कोई दोष वाली बात नहीं होती, लेकिन बिल्कुल फिर भी हम सबके अंदर कोई एक राजा एक गायक भी हो सकता है, वो अपने संगीत को भी समय देता है और अपने राजा होने का फर्ज भी निभा सकता है। जी एक अगर एक स्वीपर है वो झाड़ू पोछा भी कर सकता है, और उस स्वीपर के अंदर ही एक रील मेकर भी हो सकता है, इंस्टाग्राम का फेमस, वो रात में रील भी बना सकता है। आपके अंदर सब कुछ है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए, जैसे तुमने अभी कहा, एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली, तो मैं यहीं पे आ रहा था कि जो एक जी पंडित है वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो पंडित है तो पंडितगिरी ही करेगा, लेकिन आपको उसके लिए समय निकालना आना चाहिए, यस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हो, और उसके लिए एक बैलेंस लाइफ आपको शुरू से जीनी पड़ेगी। करेक्ट करेक्ट। जो भी जो सक्सेसफुल भी लोग हैं ना, अगर आप उनकी लाइफ देखोगे, वो एक्चुअल में खुश वही हैं उनमें, जो अगर हम बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी देखें, तो उनमें जो एक्चुअल जो खुश वही हैं जिन्होंने बैलेंस बना के रखा है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं कि बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और वो फिर एक थोड़ी सी नकली लाइफ जीने लगते हैं। कुछ होते हैं जो अपने आप को बाकी चीज़ों से हटा के, जो अपने पैशन है, जो जो उनको पसंद है, वो भी करते रहते हैं साइड बाय साइड, और वो एक्चुअली में हैप्पी भी होते हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं।
तो आइडली हमें जो एम अच्छा करना चाहिए उस पे करना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें बैलेंस बनाए, कमा रहे हैं तो ठीक है, जितनी ज़रूरत है अच्छा उतना ही कमाओ, अगर आप कम में या जितनी ज़रूरत है उतना कमाओ, जितना आपको चाहिए, ये नहीं कि आप उसके पीछे अपनी जो लाइफ है उसको स्पॉइल कर दो। डिस्ट्रॉय करो अपना पीस, एग्जैक्टली अपने पीस की सेहत पे आप कुछ नहीं कर अब सकते, जैसे फॉर आपका एग्जाम्पल, पीस आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल आई अब एग्री। अगर तुम बात करो, अगर हम बात करें मैं बड़ी बातें नहीं करती, बट अगर तुम देखो, अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी देखते हैं, वो एक नेता थे, बट उनको नेता के रूप में सब जानते हैं, बट उनको एक पोएट के रूप में भी लोग जानते हैं। वो उनकी जी उनकी बुक पढ़ो तो हमेशा से वो कहते थे कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं राष्ट्र की सेवा में तो मैं लगा, ये मेरा धर्म था और मुझे खुशी भी है, हाँ पर मेरा काव्य मुझसे छूट गया, लेकिन उनके अंदर उन्होंने जितना काव्य रचा वो अपने आप में महान था, और आज तक लोग उनको उनके काव्य के लिए भी याद करते हैं, तो उनकी भी एक साइड थी ना। करेक्ट हम सबकी एक साइड होती है। अब लेकिन वही बात जैसे तुमने कही कि कई लोग ना स्टार्टअप में फंस जाते हैं, मटेरियलिज्म में फंस जाते हैं, तो यस इसके लिए कहीं ना कहीं, अब धार्मिक ग्रंथों की बात अगर मैं करूं तो लोगों को उनकी समझ कितनी है मैं नहीं जानती, बट वो हमारी जो ये हम जिन चीजों में फंस जाते हैं ना, हम उन चीजों को निकालने के लिए हैं, बट हम उनको पढ़ते ही नहीं ढंग से, हम उनको वो पढ़ते ही नहीं एक ढंग से। साइकिल हो जाती है जिसमें मुलझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दोबारा वापस आपकी बात पे आते हैं, जो आपने बताया कि जैसे आप हाउसवाइफ हैं और आपने बोला कि इतनी मोनोटोनस हो जाता है काम की, भाई करने का मन नहीं करता, तो एग्जैक्टली वैसा आप जॉब भी कोई कर रहा हो ना तो वही चीज़ है। अगर आपके हस्बैंड अगर जॉब कर रहे हैं तो वो ऐसी जॉब है जहाँ उनका मन नहीं लग रहा, वो डेली जा रहे हैं बस सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो उनके साथ भी वही फीलिंग होगी जो आपके साथ घर में घर का काम करने में। बिल्कुल तो वो बिल्कुल सबके बिल्कुल साथ फीलिंग बिल्कुल वही है, सब अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं। तो जैसा आप फील कर रही हैं वो हजारों करोड़ों लोग वैसा ही फील कर रहे हैं अपने अपने जगह पे, चाहे वो हाउसवाइफ भी हो या कोई बाहर जाके काम करने वाला इंसान भी हो। बट वही तो बात है, बट उसी सर्कल को ब्रेक करने के लिए रास्ता जी ढूंढना अपने आप में चैलेंज है आजकल के टाइम पे। जी तो मैं तो अपने आप को ग्रेटफुल मानती हूँ, ग्रेसफुल मांगती हूँ कि परमात्मा ने मेरे को कलम पकड़ा दी, वो भी मेरे हाथ में कलम होना मेरे घर वालों तक को कई बार लगता है ये जादू है, ये लड़की लिख सकती है ये हो नहीं सकता, और वो भी ऐसा लिख सकती है ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम मुझसे नॉर्मल बात करोगे या जो तुमने मुझे जानते हो या मेरे घर वाले मुझे जानते हैं, मैं बहुत जॉली नेचर की हूँ, पर जब मैं लिखती हूँ तो वो गहराई आ जाती है, वो हैरान होती है कि ये वही लड़की है जो लिख रही है, जो हमसे बात करती है ऐसे करके, तो एक इतना गैप है। अब वो गहराई नेचुरल, वो गहराई कहाँ से आई, मेरे पास एक्सपीरियंसेस से आई ना, वो मेरे एक्सपीरियंसेस से आई। मुझे ठीक है मेरा नेचर है कि मैं ऐसे ही रहती हूँ, बट अंदर गहरे में कई चीजें उतरी होती हैं जो हम लिख पाते हैं, ये तो ऊपर वाले का ग्रेस है, लेकिन कितने लोग हैं जो इन सब चीजों से, कितने ही बच्चे हैं जो बुलीनेस होने की वजह से अपने आप के साथ गलत कर लेते हैं, गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं, बट कितने हैं जो निकल पाते हैं, बिल्कुल और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के ऊपर काम होना चाहिए, एजुकेशन एजुकेशन लेवल पे भी होना चाहिए, पेरेंटिंग लेवल पे भी होना चाहिए। आजकल के टाइम पे बहुत सारे पेरेंटिंग सेशंस होते हैं, और कमाल की बात, एक अजीब सी बात और बताती हूँ, इंडिया जैसे देश में जहाँ इतने लोग हिंदी भाषी हैं, आजकल जब तुम इंटरनेट खोलो तो बहुत ही कम पेरेंटिंग सेशन होते हैं जो हिंदी में होते हैं, आधे से ज्यादा पेरेंटिंग सेशन इंग्लिश में होते हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहे होते हैं, ऐसे बहुत रेयर होते हैं जो हिंदी में बोल रहे होते हैं। मैं इंग्लिश के अनफेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मैं पूरी लाइफ टाइम इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरा कंफर्ट जोन हिंदी है, ठीक है मैं बाईलैंग्वल हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलती हूँ, क्योंकि इंडिया में या दिल्ली के जो लोग स्पेशली हैं उनकी कोई भाषा नहीं है, हमारी कोई लैंग्वेज नहीं है, हम सारी भाषा बोलते हैं, जी, खिचड़ी है हमारी, जैसे मैं अपने आप को हमारी बोलता भाषा हूँ। में खिचड़ी, हम सब कुछ बोलते हैं। अच्छा मेरे अंदर क्या है कि मैं जैसे लोगों के बीच में बैठती हूँ वैसे बोलना शुरू कर देती हूँ, अगर आज मैं पंजाबियों में बैठी हूँ तो मैं पंजाबी बोलूँ, आज मैं
जाटों के बीच बैठो तो धीरे धीरे मेरी लैंग्वेज वैसी हो जाएगी। मैं हरियाणवी भी बोल लेती हूँ, मैं बिहारी लैंग्वेज भी बोल लेती हूँ, मेरी कोई लैंग्वेज नहीं है, मैं सबके साथ मिक्स हो जाती हूँ। इवन अगर मैं पंजाबी भी बोलती हूँ तो मेरी पंजाबी में फ्लेवर ऑफ पंजाबी है। पंजाबी एक पिंडों वाली पंजाबी, एक शहरों वाली पंजाबी, एक कहीं की पंजाबी, उसमें भी फ्लेवर है। तो मेरी भाषा बहुत मिक्स है। तो मैं अगर जिसके साथ बैठती हूँ वो मुझे हमेशा ये समझता है, कोई कहने, अगर मैं जाट हूँ मैं बैठी हूँ तो वो कहेंगे आप जाट हो, अगर मैं हिंदुओं में बैठी तो कहेंगे आप हिंदू हो। तो मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप वो लैंग्वेज बोलो जब आपकी आपकी रीच लोगों के साथ बढ़े, जो आपके कॉमन पीपल है उनमें आप घुल मिल जाओ। आप एक लैंग्वेज को इतना इलीट मत बना दो कि लोग आपसे कनेक्टिव फील ना करें। बिल्कुल। ठीक है, लोग आपसे कनेक्ट ही ना हो पाए तो वो ऐसी लैंग्वेज का कोई फायदा नहीं है। और इंग्लिश ये कोई जी हवा बना रखा है बट ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कि आप बस वो बोलो जिससे आप कनेक्ट कर सको, दिल से बोलो, अच्छे से बोलो। अग्री। और ये जो एलीटनेस वाली बात है, ये कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश के साथ है, ये अगर आप देखेंगे तो हिंदी के साथ भी है। तो अगर जिनको बहुत अच्छी हिंदी आती है शुद्ध, तो वो भी अगर आप उतनी अच्छी नहीं लिख पा रहे हो ना, तो कई बार उनको भी लगता है कि यार इसको तो कुछ मतलब ये कोई बात हिंदी वो है। नहीं है, वो भी बेवकूफी है। मैं हाँ कि बताती और ये जो हूँ, कि मैं बताती हूँ क्यों जी बेवकूफी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे शुद्ध हिंदी कोई नहीं लिख रहा। मैं आपको क्लियर बताऊं, आपकी लैंग्वेज में अगर आप इंग्लिश उठाओ, आप हिंदी उठाओ या कोई भी लैंग्वेज उठाओ, हर लैंग्वेज में किसी और ना किसी और लैंग्वेज का टच आता ही है। हिंदी में उर्दू का टच है, उर्दू में फारसी का टच है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के कई वर्ड वर्ड्स जो है वो रशिया रशियन लैंग्वेज के यूज होते हैं, कई वर्ड्स जो है वो अलग लैंग्वेज के यूज होते हैं। अब अगर आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में जो टर्मोलॉजीज होती हैं उसमें लिखा होता है ये वर्ड इस लैंग्वेज से लिया गया जिसका मतलब ये है, और ये वर्ड इस लैंग्वेज से लिया गया जिसका मतलब ये है, और इन सबको मिला के इस प्रोसेस का नाम रखा गया है। कोई भाषा क्लियर कट नहीं है, हर भाषा में दूसरी भाषा का पुट है। अगर आज मैं हिंदी समय आपसे बात कर रही हूँ, ना जाने मैंने कितने उर्दू के शब्द बोले होंगे, और एक उर्दू वाला ना जाने कितने हिंदी के शब्द बोल जाता होगा। और अगर आप एलीट की भी बात भी करो, अगर आप पूरी हिंदी शुद्ध बोलोगे लोग आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, या पूरी जी ही इंग्लिश बोलोगे तो भी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप वो भाषा बोलो जो जो लोकल लेवल पे आपको लोगों के साथ टच में लाती है। हिंदी का विकास तब हुआ जब हिंदी की लैंग्वेज खड़ी बोली हुई, या वो लैंग्वेज हुई जो लोगों की बोलचाल की भाषा में जब हिंदी लिखी जाने लगी कहानियां, तब हिंदी करेक्ट। और प्रोग्रेस में आई आज के टाइम पर। अगर हम उसी हिंदी के साथ चलते रहते तो हम शायद इस प्रोग्रेसिव लेवल पे नहीं आ पाते। हमारे देश का जी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदी में भाषण देते हैं, क्या वो एक क्या ये तो उसी देश के लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो ये क्या है, दिखावा किसको दिखा रहे हो? अगर आप बाहर की कंट्रीज में जाओ वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो अदर लैंग्वेजेस में बात करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं हमेशा। हम क्यों नहीं देते अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रायोरिटी, एग्री। और क्यों नहीं देते? आप दो, मैं कहती हूँ शुद्ध नहीं बोलते, शुद्ध कोई नहीं बोल सकता, बट एटलीस्ट आप उसको बाय इतना करो कि मिक्स एंड मैच करके बोलो, क्या फर्क पड़ता है? पर ऐसे तो बात करो कि सबके आप सबकी रेंज में आओ। अगर आज मैं इंस्टाग्राम पे कोई चैनल चलाती हूँ, मान लो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं आने वाले कल में, हो सकता है बन भी जाऊं, और मैं इंग्लिश में बात करूं, तो वो मोटिवेशनल किसके लिए है? क्या सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए है? तो अगर वो सिर्फ उनके लिए मोटिवेशन है तो वो उस मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है। मुझे मोटिवेट करना है नीचे से शुरू करके ऊपर तक, हर किसी के लिए मेरा मोटिवेशन हो। अगर मेरे मोटिवेशनल वीडियोस बायस होंगे तो वो खत्म है, मुझे नहीं चाहिए। आज मैं एक टॉक शो करती हूँ जिसमें सभी लोग आते हैं, अगर मेरे टॉक शो में उस लैंग्वेज में बात होगी जो सबको समझ ही नहीं आ रही, तो वो लेखक जो अभी नए नए जन्म रहे हैं, 16-15 साल के या उससे छोटी साल के, 18 साल के, वो कैसे सीख पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं? वो कैसे समझ पाएंगे उस चीज को? वो नहीं समझ पाएंगे, उनमें भी सिर्फ इंग्लिश वाले समझ पाएंगे, हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे। तो
तो उस टॉक शो का क्या फायदा जो लोगों को सीख नहीं दे पा रहा, लोगों को समझा नहीं पा रहा कि आने वाला कल क्या होगा। समझ रहे हो इस बात को? हाँ, मैं बस प्रोसेस कर यही रहा हूँ बात है। इस बात को, और थोड़ा सा मैं डिफर भी करता हूँ कि मतलब पूरी तरह से कम्प्लीटली अग्री नहीं कर रहा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वैलिड है, बट जैसे सिर्फ ये कहना ना कि हम हिंदी में ही करेंगे या फिर नॉर्मल बोलचाल भाषा में करेंगे तो ही वो एक इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल काम है, उससे मैं थोड़ा सा डिसअग्री करूँगा, नहीं क्योंकि नहीं तुमने नहीं मुझे नहीं गलत, नहीं ऐसा नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें एक बार एक एग्जांपल बताती हूँ क्या हुआ। अब मैं कितनी हर्ट हुई, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और उस एक्सपीरियंस ने मुझे अंदर तक हिलाया भी, वेरी ऑनेस्ट। मैंने किसी को अप्रोच किया अपने सेशन के लिए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना जो मैटर लिखते हैं नीचे वो हिंदी में लिखो, क्योंकि आपका शो हिंदी में है, आप इंग्लिश में क्यों लिखते हो। और उन्होंने कहा कि आपने अपने शो का नाम शाम में गुफ्तगू क्यों रखा, ये तो एक उर्दू नेम है, आप हिंदी में रखो। वो बकवास अब चीज है। नहीं सोच सुनो, अब ये बकवास चीज है, बट सुनने वाली बात है कि उन्होंने ये बात कही। और ये जी एक नई साइकोलॉजी थी जो मुझे इस दौरान पता लगी कि कहीं ना कहीं जो मैंने मैं कहां से उठी, मेरी एजुकेशन इंग्लिश में थी, मेरी लैंग्वेज बोलचाल की हिंदी थी, ठीक है, और लोग मुझसे इंग्लिश की डिमांड कर रहे थे। आने वाले समय में मैंने इंग्लिश सीखी, इंग्लिश बोली भी, आज जब इतने सालों बाद मैं अपनी लैंग्वेज की तरफ आई और लोगों की डिमांड्स को डिवाइड किया, मैंने शो हिंदी में रखा, मैटर इंग्लिश में रखा, तब भी यहाँ पे क्वेश्चन आया कि आप हिंदी में क्यों नहीं लिख रहे हो। समझ रहे हो? अब ये चीज कहीं ना कहीं इस चीज ने एक क्वेश्चन मार्क भी डाला कि अब क्या किया जाए, ठीक है। बट थैंक्स टू इंस्टाग्राम और रील्स को और बहुत सारे लोगों को, जहां मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब मिला, और बहुत बढ़िया जवाब मिला। जवाब क्या मिला? विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में सुना है ना तुमने, जी, आईएएस की कोचिंग देते हैं, मैं उनकी वीडियोस लगातार देखती हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैं सही बताऊं। क्योंकि जब आप कई बार बहुत डिप्रेस होते हो तो आपको एक इंस्पिरेशन चाहिए, और लाइफ को सही तरीके से जीने का एक रास्ता भी चाहिए होता है। तो कुछ मैं बहुत कम लोगों को सुनती हूँ, लेकिन जिनको सुनती हूँ फिर उनको लगातार ही सुनती हूँ, और जब तक मुझे मतलब वो मेरे अंदर दिमाग में मेरे होते रहते हैं तो मैं सुनती हूँ। तो वहां मुझे एक जवाब मिला कि बहुत अच्छे से मुझे याद नहीं है, बट एक जगह उन्होंने यही बात कही थी कि हमारे, जैसे कि उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह पर हिंदी को लेकर कुछ बात कही थी, इंडिया वर्सेस भारत और भारत वर्सेस इंडिया करके उनका एक वो था, सेशन था, तो वहां पर उन्होंने कुछ कहा था, मुझे एग्जैक्टली बहुत क्लियर वो बात याद नहीं है, बट मुझे मेरी बात का जवाब वहां मिला। कह रहे आप जब आईएएस बनते हो, आप उसके पेपर देते हो, ठीक है, आपको वहाँ इंग्लिश एक जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं, वो देना ही होते हैं, आप वहाँ लिखते हो, आप सारा काम भी वहाँ इंग्लिश में ही करते हो, ठीक है, लेकिन जब आप फील्ड पे उतरते हो तो वहां पर इंग्लिश वाले बंदे नहीं होते, वहां लोकल लोग होते हैं जिनके साथ आपको डील करना है, ठीक है, बाबू साहब से डील करना है वो एक अलग बात है, पर जब आप जमीनी तौर पे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तब आप उस इंग्लिश को लेकर नहीं बैठ सकते ना, तब आपको उनकी रीजनल लैंग्वेजेस भी आपको आनी चाहिए। कई बार कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां आपको आपकी रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, या फिर आप एक ट्रांसलेटर रखते हो अपने साथ, जी तभी आप उससे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो काम की लैंग्वेज में अगर मैंने वहां लिख भी दिया या हिंदी में लिखा वो मैटर नहीं करता, जब मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तब मेरा और उनका जो कंफर्ट लेवल है वो इम्पोर्टेंट होता है, मुझे लगता है। और बिल्कुल जहां तुम कह रहे हो कि मोटिवेशनल वीडियो इंग्लिश में बनने हैं कोई बुराई नहीं, क्योंकि भैया इंग्लिश वालों को भी मोटिवेशन चाहिए, इंग्लिश वालों को मोटिवेशन चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं कहती हूँ होना भी चाहिए। तो इसका एक ही वही वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर चीज का बैलेंस हो। अगर मैं एक इंग्लिश की बना रही हूँ तो मैं हिंदी की भी बनाऊं और इंग्लिश की भी बनाऊं, अगर नहीं आती तो वो एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। अब क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे फादर बैंक गए थे, बैंक में अगर आप बैंक जा रहे हो, दिल्ली के सभी बैंक में आपको हिंदी लैंग्वेज वाले बंदे होते हैं अवेलेबल, सबको हिंदी आती है, आती है, करेक्ट
बट क्या होता है, जब तो लड़ाई होती है ना, जब कोई बहस हो जाती है तो वो लोग इंग्लिश में शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज दे थिंक कि उनकी इंग्लिश उनको बड़ा करती है और दूसरे को छोटा दिखाने में हेल्प करती है। मेरे फादर वहां गए, वो कुछ बात कर रहे थे, तो नॉर्मल हिंदी में ही बात करेंगे भैया वो, लेकिन उनकी मदर टंग हुआ तो हिंदी में बात करेंगे, जी तो वो इंग्लिश में बोलने लग गए कुछ। मेरे फादर ने कहा मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे हिंदी में जवाब दो, आप मुझे इंग्लिश में जवाब क्यों दे रहे हो? तो पॉइंट इज, पर उन्होंने सुना नहीं उस बात को, ठीक है। इन द एंड मेरे फादर को मैनेजर के पास जाना पड़ा कि जब मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं आपके बैंक में पैसे जमा कराता हूँ, आप मेरे से इंग्लिश में बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो जी कहीं ना कहीं जिन लोगों को आती है वो भी नहीं बात करते। वो अब गलत अगर है तुम्हें देखा जी जाए जी सिनेमा में जितने लोग हैं, क्या उनको हिंदी नहीं आती? बट जब पर वो टशन मारने के लिए इंग्लिश ही क्यों बोलते हैं? अगर आप नहीं, जहां जरूरत है आप वहां बोलो, जहां जरूरत नहीं है वो लोग वहां पर भी सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं, तो वो गलत चीज है। मैं उस चीज पे, मैं किसी को वो नहीं कहती कि ये ना करो या वो ना करो। कहीं ना कहीं तुम कह सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस लाइफ का ऐसा रहा है, मैंने जमीनी तौर पे ये चीजें देखी हैं, ये बायसनेस देखी है, इसलिए मैंने इस बायसनेस को ज्यादा समझा भी है। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ कि सभी सही होते हैं, आपको बैलेंस अप्रोच जैसे तुमने कहा करेक्ट वो करेक्ट आनी करेक्ट चाहिए लोगों को। लोग बैलेंस नहीं करते, लोग बस शो ऑफ में लग जाते हैं, मटेरियलिज्म में लग जाते हैं और इन चीजों में फंस जाते हैं। अगर आप इतने मटेरियलिस्टिक हो जाओगे कि आप अपने ही देश के किसी व्यक्ति को उसकी मातृभाषा, अपनी उस अपनी मातृभाषा आते हुए भी उसके साथ मातृभाषा में बात नहीं कर सकते, आप इसलिए सिर्फ दूसरी भाषा में बात कर रहे हो क्योंकि आप उसको नीचा दिखाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हम आज भी गुलाम हैं, हम है ही नहीं आजाद। मैं नहीं मानती वो लोग आजाद हुए जो आज भी वहीं फंसे हुए हैं। ये आई एग्री टू दिस पॉइंट। और ये थोड़ा ना ये पर्सन टू पर्सन मेंटालिटी मैं कहूँगा कि है, सब ऐसे नहीं है। जैसे अगर आप मूवीज़ की भी बात करो तो उसमें भी हिंदी बोलने वाले भी हैं, इंग्लिश बोलने वाले भी हैं, और अलग तरह के बिल्कुल लोग है, हैं अगर अगर है। कई लोग इतने डाउन टू बिल्कुल अर्थ हैं कि आप कायल हो जाते हो उनके। मैं आपको सही बताऊं, अभी मेरा लास्ट सेशन आपने अगर देखा हो, प्रकाश बैल जोशी जी के साथ था, जी वो एक आर्टिस्ट है और इतने डाउन टू अर्थ बंदा पर्सन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, इतने आराम से। इज एन एक्सेप्शनल केस मैं कहती हूँ। आप वो जो व्यक्ति पूरी दुनिया घूमकर आया हो, वो इतना सरल हो ही नहीं सकता जितने सरल आप उनको। कभी बात करके देखना, मैं कभी आपने उनका डिसएग्री, मैं सेशन इसको देखो। आपको कट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे हिसाब से जिसने दुनिया देख ली है ना वही सरल हो सकता है। जिसने दुनिया हाँ ये नहीं भी कह देखी सकते हो, है बिल्कुल वो बिल्कुल उसको बिल्कुल, उसको ये भी कह एक्सपीरियंस ही सकते नहीं है हो, ना। वो तो अपने आप को समझ रहा है कि मैं ही मेंढक हूँ यहाँ इस कुएं का और मैं ही राजा हूँ। सीरियसली ये भी आप कह सकते जितना हो, बिल्कुल ट्रैवल कर बिल्कुल लेते हो आप बिल्कुल उतना हम्बल हो जाते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कल्चर देखते हो, दुनिया देखते हो, आपको समझ में आता है कि आप कुछ भी नहीं हो, आपसे बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे हैं और आपसे बहुत वही चीज है जानने कि वाले भाई हैं। फल करेक्ट लदा हुआ पेड़ झुका हुआ होता है ना, जी वही जी बात जी है, तो ये ट्रैवल कर वही बात है। जिसने जितना कर लिया वो उतना थोड़ा हम्बल हो ही और ये जाएगा। हम्बलनेस बहुत जरूरी है, ये हम्बलनेस करेक्ट बहुत जरूरी है। इसके करेक्ट बिना आप अगर हम्बल नहीं हो पाए, अगर मैं अपनी लाइफ टाइम में हम्बल होना नहीं सीख पाई, तो यानी कि मैंने लाइफ को जिया ही नहीं। अग्री अगर मेरे अंदर से मेरी मैं नहीं गई तो मैंने लाइफ नहीं जी। अगर मैं लोगों से मिल नहीं पाई तो मैंने मैंने लाइफ नहीं जी। हाँ वो एक एक्सेप्शनल बात होती है कि हाँ कुछ पर्टिकुलर लोगों को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर लोगों से आप हमेशा खुश नहीं कर सकते, आप सबको खुश नहीं कर सकते, पर आप जितना कर सकते हो अपनी तरफ से उतना आप अच्छे से करो। अग्री अग्री। तो प्रभा जी, आपने जो शाम में गुफ्तगू शुरू किया वो कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, अगर आप वो थोड़ा सा शेयर करना चाहें, क्योंकि हमने ये तो उसके बारे में तो काफ़ी बात की बीच में कि किस तरह के गेस्ट आपको मिले और कैसे आपने और सीखा लोगों से और बाकी लोगों ने आपकी कैसे हेल्प की, बट वो जो आइडिया था कि हाँ ये शुरू किया जाए और वो कैसा उसका अब तक का एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, वो अगर उसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। गौरव, इसका क्रेडिट भी मैं पता है किसको देती हूँ? इसका क्रेडिट मैं काशा एंटरटेनमेंट को देना चाहूंगी, उसमें करण कपूर को देना चाहूंगी। मैं लाइव नहीं जाती थी,
मुझे लाइफ जाने में डर लगता था, मैं सच बताऊं तो मुझे कई लोगों ने कहा आप लाइफ आओ, तो मुझे बहुत डर लगता था लाइफ से। मेरे लिए लाइफ एक हवा था। तब आप लिख लेते हो, आप माइक के पीछे बोल लेते हो, बट आपको लाइफ जाने में डर लगेगा, डर लगता है। ये मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था, मतलब मुझे लगता था पता नहीं मैं बोल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। इसके क्रेडिट उनको भी जाता है, प्लस अगेन संचित विकोकिया को भी जाता है। पहले मुझे करण कपूर का कोई वो था, ओपन माइक था, एक सेशन था, तो उनके ओपन माइक होते रहते थे रात को, तो मैं कई बार सुनती थी। तो उन कई बार कहते थे आप ज्वाइन करो, आप अच्छा वो लिखते हो, ये वो, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट पता नहीं अंदर ना एक झिझक रहती थी, तो मैं मोस्टली जो मेरी गाइड के तौर पे मैं उन्हीं को याद करती थी, संचित को। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं, कैसे करके, मैंने कभी लाइव नहीं किया, मुझे बताओ। मैं कुछ नहीं करना, जैसे आप व्हाट्सएप पे बात करते हो वैसे करो, फ्रेंड्स के साथ जैसे करते हो आप कर लोगे। चलो ट्राई करती हूँ। फिर मैंने ओपन माइक के लिए वहां पे उनको बोला कि मुझे आना है, 3 लोगों का ओपन माइक था, तो मैंने वहां पे ओपन माइक किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा गौरव, बहुत अच्छा लगा, और उसी मैंने दिल से बोला। मुझे लग नहीं रहा था मैं इतने अच्छे से बोल पाऊंगी, ये मुझे लग रहा था मैं थोड़ा, मैं जितनी नर्वस थी मेरे चेहरे पे वो नर्वसनेस पता नहीं लोगों ने देखी नहीं देखी, मैं जितनी नर्वस थी मैं उतनी खुश थी उस सेशन को करने के बाद। मुझे लगा जैसे मैं जिंदा हो गई। उसके बाद थोड़े दिनों बाद मुझे करण ने दोबारा अप्रोच किया काशा से कि मैं चाहता हूँ कि आप, फिर मैंने खुद करण को कहा कि करण आप इंटरव्यू सेशन लेते हो, मैं भी आपके लिए इंटरव्यू सेशन में आना चाहती हूँ, ट्राई करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि मैं जरूर आपको बताऊंगा कुछ होगा तो। करण ने मुझे अप्रोच किया, फिर उसने मुझे एक सेशन दिया। मैंने पहली बार सेशन लिया था, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ABCD भी नहीं, तो मुझे नाम उस समय याद नहीं आ रहा। उनके सेशंस एक लड़की लेती थी, तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी ड्यूरिंग द सेशन, कि आपको कैसे पूछना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। हमने व्हाट्सएप पे बहुत सारी बातें करी वीडियो कॉल्स के जरिए। तो मैंने पहला सेशन तब लिया, एक टीचर थे जो राइटर थे जिनकी वो पब्लिश काशा एंटरटेनमेंट की तरफ से हुई थी, तो मैंने पहला सेशन उनका लिया। मैं जिंदा हो गई उस दिन, मैं सच बताऊं मैंने उस सेशन में हजारों गलतियां करी होंगी शायद, मैं सच बता रही हूँ। और मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत जगह मैं अटकी, मैंने बहुत मिस्टेक्स करी। पर उन मिस्टेक्स के बाद जब मैं कहीं ना कहीं, तुम कह सकते हो कि मेरे पिछले एक्सपीरियंस से इसको मैं काउंट करूं, तो शायद मुझे वो गलतियों के, उन गलतियों में वो एक लाइट होती है ना जो आपको दिखती है, वो लाइट मुझे दिखी। ये भी कह सकते हो कि मेरे अंदर की प्रभा यानी कि आभा जागी, तो मुझे वो आभा दिखी। मुझे लगा कि यही चीज के लिए मैं बनी हूं, मुझे यही करना है और मुझे बार बार करना है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी हिम्मत करी, मैं कह यार करूं या ना करूं, मेरा मन था एक शो करने का। मैंने बहुत बड़े दिनों, कई महीने लगाए इस बात से, मतलब शायद मैंने सितंबर में वो सेशन किया था, और उसके बाद फिर मैंने 30 नवंबर को अपना खुद का शो स्टार्ट कर दिया। और यकीन मानो मुझे नहीं पता, जब मेरा जो पहला सेशन था शामी गुप्तगु का, हरप्रीत कौर के साथ था, बड़ी गलतियां करी थी मैंने गौरव उसके अंदर। मैं आज भी अपना पहला एपिसोड नहीं देख पाती, मैं सच बताऊं मुझे लगता है कि मैंने क्या ही किया होगा। और वाकई मतलब शुरुआत में इतनी गड़बड़ कि मैं बता ही नहीं सकती। बट सेकंड सेशन में मेरे को रेणुका मैम का सपोर्ट मिला, रेणुका ध्यानी मैम का। मैंने वो पता नहीं, ये गाइड की तरह मैं उनसे पूछती थी, मैम मेरा सेशन कैसा गया। मैम ने मुझे पहले पहले एपिसोड में जो जो कमियां थी वो सारी बताई, और फिर सेकंड एपिसोड मैम के साथ हुआ, मैम ने फिर मुझे बताया कि ऐसे करना, समझाया मुझे, और बहुत अच्छा सेशन गया सेकंड मेरा। फिर कई सेशंस मेरे अच्छे गए, फिर बीच में क्या हुआ, एक्चुअली मेरे को ना सुनने की आदत नहीं थी गौरव, मुझे बोलने की आदत है, तो ये मेरे साथ आज से नहीं, बहुत पुरानी और बुरी आदत है, जो मुझे भी लगता था कि ये मेरे अंदर कमी है, मैं सुनती कम थी और बोलती ज्यादा थी। तो मुझे ये सीखना था सुनना, क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है, ठीक है,
एक और आप लाइफ में कहीं कुछ पाना चाहते हो तो, और ये कमी मेरे अंदर बहुत बुरी है, तो मुझे लगा कि शायद यही एक रास्ता है जो मुझे जिंदा भी कर रहा है, मेरा एरिया भी वाइड कर रहा है और मुझे सिखा भी रहा है। इससे अच्छी चीज कुछ हो ही नहीं सकती। आप दुनिया के अलग अलग लेखकों से मिलोगे, इस बहाने उनकी किताबें पढ़ोगे, उनको जानोगे, आप सुनना सीखोगे। आप क्वेश्चन कोई भी पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं, 2 साल छोटा था, 1 साल का बच्चा पूछता है ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। क्वेश्चन की क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी क्या पूछ रहे हो वो मैटर नहीं करता। पूछ तो कोई कुछ भी लेगा, सिली क्वेश्चन भी लोग पूछते हैं, बट अपने क्वेश्चंस की क्वालिटी में वो एक स्पेशल स्पार्क लाना, वो भी मुझे यहीं से सीखने को मिला। और डे बाय डे ये चीज वहां से इंक्रीज हुई। मैं सीरियसली, बहुत सारे लोगों का श्रेय होगा अगर आज मैं शामे गुफ्तगू कर रही हूँ, और सीरियसली जब मैं शामे गुफ्तगू करती हूँ तो मैं जिंदा हो जाती हूँ। और पहले एपिसोड के बाद हर एपिसोड के साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता होता मेरा अगला गेस्ट कौन होगा, मुझे कभी नहीं पता होता। मैंने पूरा 1 साल ये सोचा कि मैं अपने सेशन को प्लान करूंगी या कभी अच्छे से तैयारी करूंगी, कभी नहीं करी। आधे घंटे पहले मैं प्रोफाइल खोलती हूँ, वहां ये होता है कि मैं थ्रू आउट उनकी प्रोफाइल देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, लेकिन पूछूंगी क्या मुझे कभी नहीं पता होता, क्योंकि घर के कामों में और चीजों में इतना टाइम देना पड़ता है आपको कि आप इतना नहीं कर पाते। मैं भी कई लोग कर पाती हूँ, और मुझे हमेशा से एक क्वेश्चन रहता है और स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन होते हैं, मैं उसी टाइम सोचती हूँ या 5 मिनट पहले मैं क्वेश्चन कुछ लिख लेती हूँ, रफ आइडिया लिख लेती हूँ। और कई बार क्या होता है कि जो लिखा होता है वो मैंने पूछा ही नहीं होता, मैंने कुछ और ही पूछा होता है सेशन में। वो बिल्कुल डिपेंड वो करता है कि आपकी बात कैसे हो रही है, और ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बन जाते हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि ये आपकी कला है, मैं कहूँ मुझे नहीं पता कला है, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी कला है, बस मैं कर लेती हूँ, कैसे होता है मुझे नहीं पता। और ये बस फ्लो में बहता गया, और ये कह सकते हो कि हाँ मुझे ये करना है, क्योंकि मुझे ये करके बहुत अच्छा लगता है। अब मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करते हो, बट वो एक पल जब आप अपने आप में संपूर्णता महसूस करते हो, वो लोग इसे मेडिटेशन भी कहते हैं, पर मुझे मेरी मेडिटेशन यहीं पर मिली। उस क्षण में अपने आप को मेडिटेशन फॉर्म में पाती हूँ, क्योंकि तो मैं अपने आप को अपने आप में संपूर्ण समझती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है उस समय। बस यही है और कुछ नहीं है। नाइस और ये जो अभी आपने जो आंसर दिए हैं उससे काफ़ी चीज़ों से मैं भी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम चीज़ मैं भी इस पॉडकास्ट के ज़रिए कर रहा हूँ। और मेरा भी एम जी मोटा मोटा यही था कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, और जो मिलोगे आप लोगों से तो उनका जो पर्सपेक्टिव है वो पता लगता है, तो उससे सीखते हैं। और आप रेगुलरली जब आप कुछ चीज़ कर रहे हो तो उससे इम्प्रूवमेंट तो आती है। जैसे कई चीज़ें हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे अपनी आवाज़ पसंद नहीं थी, तो वो मेरे साथ भी था कि जो रिकॉर्डेड आवाज़ है वो नहीं समझ में आती थी कि कैसी है। और रही बात तैयारी करने की, तो आई थिंक मैंने आपके साथ लाइव एक किया हुआ है जो आपने मुझे बुलाया था इस शाम में गुफ्तगू में, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा था कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, क्योंकि आपके आंसर्स काफ़ी अच्छे थे। उससे पता लग रहा था कि आप जानते हो इस इंसान के बारे में जिस तरीके से आपने पूछे थे। इनफैक्ट उसका मैं ऑपोजिट मेरा पढ़ती हाल था कि सॉरी सॉरी कट यू, सॉरी, लेट मी कंप्लीट प्लीज जी बोलो, प्लीज 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 जी बोलो। तो उससे उल्टा मैं, मेरा ये होता है कि मैं कोशिश जानबूझ के नहीं करता था कि मुझे पता हो या उस बारे में या उस इंसान का कोई पुराना इंटरव्यू सुना जाए, क्योंकि उससे ना फिर कई बार रेपिटेटिव चीज़ें हम पूछने लग जाते हैं कि अच्छा वहाँ ये पूछा था, तो वो चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में आ जाती है। वो अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, बट मेरा ये रहता था कि मैं जो क्वेश्चन मैं पूछूं जो उससे मुझे जवाब मिले। जैसे आप मुझे कुछ बता रहे हो, जैसे आज आपने बहुत ऐसी चीज़ें बताई हैं जो लोगों को नहीं पता होंगे आपके बारे में, तो वहाँ से जो जो नेचुरली फिर एक फॉलो अप क्वेश्चन निकलता है वो पूछना, तो आई थिंक वो एक, जब आपने नाम ही गुफ्तगू रखा है या फिर जो पॉडकास्ट फॉर्मेट भी एक तरह का डिस्कशन ही होता है मोर देन एन इंटरव्यू आई वुड से, तो वो कहीं ना कहीं सूट करता है कि आप एक डिस्कशन फॉर्मेट रखें, ऐसा ना हो कि आप एक सेट पैरामीटर्स में हो। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग सीरियसली विच इज़ वर्किंग फॉर यू आई वुड से, क्योंकि मैंने भी जितने एपिसोड अभी तक सुने हैं, एक तो वो शॉर्ट और सिंपल होते हैं, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होते हैं,
अनलाइक फ्यू पॉडकास्ट एंड अदर इंटरव्यूज. सो और उसमें काफी पता लग जाता है इंसान का. तो क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट. होता है उनके बीच में, थैंक यू। और या पता है कई बार क्या होता है, कुछ सेशन के दौरान मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप क्वेश्चन प्रिपेयर किया करो और पहले से दे दिया करो, यो क्या ये कह सकते हो कि स्क्रिप्टेड कर दो। मैंने सुना जरूर बट मैंने किया नहीं। मैंने कहा मैं स्क्रिप्टेड नहीं करूंगी, फिर मैं उलझ जाऊंगी, मुझे स्क्रिप्टेड काम मैं कर ही नहीं सकती। मुझे लगता है जो अनप्लान्ड होता है, जो जैसे तो आपने कहा वो नेचुरलनेस जो है ना वो अलग ही होती है, वो बहुत जरूरी है। अग्री. स्क्रिप्ट पूरा नहीं बट हाँ वही अगेन मतलब मेरी जो आजकल जो मेरी सोच चल रही है ना वो ले दे के बैलेंस पे आ जाती है. तो बिल्कुल अनप्लान्ड होगा तो वो भी कहीं नहीं जाएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा किस डायरेक्शन में लेके जाना है. तो एटलीस्ट एक थीम सेट होना चाहिए कि हम इस बारे में बात करना चाहते हैं, एक प्राइमरी थीम, और फिर उसके अराउंड हम जो भी बात कर रहे हैं वो अपने आप ही निकलती जाएंगी. बट कई बार ऐसा होगा ना कि हम बिल्कुल थीमलेस बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया है कि मुझे आपके शो के बारे में बात करना है और आपकी जो जो चैलेंजेस रहे हैं उसके बारे में बात करना है. इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पुराने अपने नहीं तो एक्सपीरियंसेस आप बताऊँ. बेसिक नहीं, जी एक्चुअली लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं आप पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बता दो। ऐसा वो नहीं होता, हाँ हम आपको आइडिया वो दे सकते थोड़ा हैं हो कि हम गया. ये इस इन एग्जैक्टली. टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे आपके, हम इतना आइडिया तो मैं भी देती हूँ कि आपके इस चीज के बारे में बात होगी। अब आप कहो कि पहला क्वेश्चन क्या पूछने वाली हूँ, दूसरा पूछने वाली हूँ, तीसरा, जी फिर मैं वो नंबर में नहीं फंस सकती, वो वो फ्लो नहीं हाँ आएगा हमारी बात का। करेक्ट. फिर वो आई थिंक कई बार कोई वो थोड़ा जो हमारा नेचर होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सब फ्लो में हो और कहीं वो अटके ना कुछ आंसर देते हो, स्पेशली लाइव में. फॉर एग्जांपल अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जब नहीं, लाइव पता क्या होता है होता है इंसान तो थोड़ा पता सा नहीं यहाँ पर, मैं कॉन्शियसनेस होता गौरव है. आपको इंटरप्ट करूंगी, जी सॉरी, जी बट जी क्या होता है कि, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, नो बट नो नो क्या प्रॉब्लम. होता है कि अगर आप एक लेखक हो और आप एक कलाकार हो, मेरा शामिल को पार्ट वन लेखकों के लिए था। अगर आप लिख रहे हो अपने मन की बात, तो आप अपने मन की बात कह भी सकते हो, ठीक है, आपको अपनी बात रखनी भी आनी चाहिए। जिंदगी में हर चीज प्लानिंग के साथ नहीं आएगी, कभी कभी लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं होता, लाइफ एक अनप्लान चीज है। आप कितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, कब वो अनप्लान हो जाएगी आपको नहीं पता। अगर आप उस चीज के लिए भी प्रिपेयर नहीं हो, या आप एक अनप्लान क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते बींग अ राइटर, और आपको पता है कि आप जो काम करते हो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कुछ अलग नहीं पूछे जाएंगे, तो आप अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हो पाए, तो आप कैसे लेखक हो। दैट आई एग्री. मैं ये मतलब मैं डिसएग्री नहीं कर रहा आपकी बात से. वो बिल्कुल वैलिड है कि ऐसा होना चाहिए आइडियल सिचुएशन में. बट जैसे आई मीन आप भी एग्री करोगे इस बात से कि हर इंसान का एक जो एक बेसिक नेचर होता है वो अलग होता है. ज़रूरी नहीं है कि राइट अगर राइट हर कोई कोई राइटर पर्सन है तो हर टू कोई. पर्सन चीजें वेरी करती हैं। एग्जैक्टली. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लाइव आके बहुत अच्छे से बात कर सकता है बिना तैयारी के भी, है ना. कईयों को नेचुरली आता है कि वो कैमरा फेस कर सकते हैं, कईयों को नहीं आता है बट वो लिखते बहुत अच्छे हैं. तो थोड़ा थोड़ा तो राइट सब राइट में डिफरेंस होता ही है. तो वो कंफर्टेबल बिल्कुल होने वाली बिल्कुल बात है. तो आई थिंक उस वो बेनिफिट ऑफ डाउट हमें दे देना चाहिए. ये नहीं है कि हम बिल्कुल खारिज बिल्कुल कर रहे नहीं, हैं कि मैं इस नहीं बात से एग्री ऐसे ही नहीं करती हूँ, होता. बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ। बट जो भी है मतलब सबका अपना नेचर है. जब तक वो एक्सट्रीम ना हो जाए तो ठीक है. आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल एप्ट है कि नहीं उस इंसान को इतना होना चाहिए. बट क्या वो स्टेज में है, क्या उसका माइंडसेट वैसा है, क्या वो वैसा सोचता है, वो अलग चीज़ है. बट उससे ये नहीं पता लगता कि वो अच्छा आर्टिस्ट या राइटर या जो भी वो काम करता है उसमें अच्छा नहीं है. जस्ट उसका एक बट इससे एक थॉट मैं प्रोसेस तुम्हें एक है. और बात बताऊं, लेकिन कई लोगों के साथ मैंने ऐसा किया ना, तो आफ्टर दैट उनके जो फीडबैक आया, लाइक मैं आफ्टर सेशन एक कॉल करती हूँ कि आपको कैसा लगा, तो कई लोगों को लगा, कई लोगों के फीडबैक में यही आया कि हमें भी नहीं पता था कि हम ऐसे बोल सकते हैं, हमें यहाँ आके पता चला कि हम ऐसे बोल सकते थे, कि एग्जैक्टली. हमने खुद को डिस्कवर किया इस तरीके के इंटरव्यू में। हाँ इससे तो मैं खुद एग्जाम्पल हूँ. जो आपने मुझे बुलाया था ऑल ऑफ अ सडन आई एम यूज टू आस्किंग क्वेश्चंस लिसनिंग टू अदर्स. बट फिर उसमें 1 घंटे कब निकले और मैंने क्या क्या बकवास की तो वो मुझे खुद नहीं पता है. तो बिल्कुल नहीं, तुमने आई कैन बहुत अच्छा रिलेट टू इट. बोला,
तो अभी सीजन टू जो आप बता रहे थे, इज इट ओनली फॉर राइटर्स या कोई मतलब कोई और फील्ड के भी लोग आएंगे, या और क्या तरीका है आने का? मैं बताती हूँ। सीजन टू बेसिकली मैं अभी रिसेंटली मैं एक कुछ एक अभी मैंने एडवर्टाइजमेंट की कह सकते हो या एक रील निकालूंगी, जिसमें बेसिकली सीजन टू सिर्फ राइटर्स के लिए नहीं है, क्योंकि तो मैं चाह रही थी कि मैं अपना एरिया वाइड करूँ। मुझे लगता था कि राइटर्स के इंटरव्यूज ले रही थी मैं क्योंकि मैं लिख रही थी, बट कहीं ना कहीं फिर मैं कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट में आई। मेरे फर्स्ट टू इंटरव्यूज थे, आपने देखे होंगे, उनके अंदर कुछ खास था, उन सब के अंदर कुछ अपनी ड्राइंग को लेके खास था, कुछ डांस स्टेप्स को लेके खास था। तो पता नहीं, मेरे अंदर एक था कि इस दुनिया में आर्टिस्ट जो है ना, वो राइटर भी आर्टिस्ट है, पेंटर को भी आर्टिस्ट कहते हैं, हर कोई आर्टिस्ट है। हम सबके अंदर कुछ खास है, हम सब इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, बट हम सबकी जो खासियत है उसके पीछे भी एक शख्स होता है। सिर्फ राइटर के पीछे ही एक शख्स नहीं है, एक पेंटर के पीछे भी एक शख्स है, एक डांसर के पीछे भी एक शख्स है, एक टीचर है जो पढ़ा रहा है उसके पीछे भी एक शख्स है जो अपना एक व्यू रखता है। और हम मुझे लगता है कि सिर्फ एस्टेब्लिश ही क्यों, जो नए हैं या अपकमिंग हैं, जो सीख रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं या कुछ अलग कर रहे हैं, मतलब कुछ मोटिवेशन हो या कुछ भी हो, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पर वो अपनी बात रख सके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी को सर्व करने का ये भी एक तरीका हो सकता है कि अगर मैं अलग अलग लोगों को बुलाऊंगी, अलग अलग लोगों से बात होगी, अलग अलग लोग अपने व्यूज रखेंगे, तो कहीं ना कहीं शायद सोसाइटी में हम कुछ दे पाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हम शायद कुछ सोसाइटी को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। तो इसीलिए जो सेकेंड सीजन है उसमें मैं अभी इन्वाइट करूंगी जितने भी आर्टिस्ट, उसमें उसका स्लोगन एक कुछ इस तरीके से रहेगा कि शामी गुफ्तगू का जो टैगलाइन है, जो भी कहो दिल से कहो, क्योंकि बात तो दिल से ही होगी, बिना दिल के कोई बात नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप में कुछ खास है तो शामी गुफ्तगू आपके साथ है, यानी कि इफ यू हैव, नाइस अगर आपके अंदर कोई भी क्वालिटी है, एनी क्वालिटी जो आपको अलग करती है भीड़ से, तो आपको इस, तो ये मंच आपके लिए है। आप जो कहो दिल से कहो और बस बोलो ताकि लोगों तक आपकी बात पहुंचे, लोगों में नई चीजों को लेके एक जागरूकता आए। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि पता नहीं, मैं ऐसा मानती हूँ कि हर आर्टिस्ट के पीछे एक स्टोरी होती है। हर आर्टिस्ट कहीं ना, कोई आर्टिस्ट ऐसे ही नहीं बनता, आज मैं राइटर बनी हूँ तो मैं ऐसे ही नहीं बनी। शायद मैंने अभी जितनी बातें बताई हैं उन सबके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करके मुझे शामे गुप्तगु तक का रास्ता दिखाया होगा। मैं ऐसे ही शामे गुप्तगु तक नहीं आई, वो तो एक लाइफ जिंदगी का छोटा सा हिस्सा मैंने बताया, शायद और भी बहुत कुछ हो जो मैं बोल ना पाऊं पर कभी लिख पाऊं कहीं ना कहीं, कैसे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये सभी चीजें, सभी एक्सपीरियंसेस हमें वहां तक, हमारे मुकाम तक लेकर आते हैं। आज जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन सबका एक पास था, जो उस पास से गुजर के निकले हैं, या उन सबके अपने व्यूज है जहां से वो निकल के आए हैं। तो क्यों, मैं चाहती हूँ कि जो अपकमिंग टैलेंट है, जो बिल्कुल फ्रेश टैलेंट है, जो अभी लड़ रहा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है आगे बढ़ने के लिए, एस्टेब्लिश पीपल्स के साथ साथ उन सबको भी लाया जाए ताकि लोगों को उनकी कहानियां पता चले। और शायद कहीं ना कहीं इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स जो डिप्रेशन से जूझ रहा होगा, कहीं हार गया होगा लाइफ में कुछ करने के बाद भी, शायद उन लोगों से इंस्पिरेशन लेके वो एक कोशिश शुरू कर दे। और ये या कह सकते हो कि मैंने अब्दुल कलाम जी की बुक से ये लाइन सीखी है, और वाकई मैंने वहीं से सीखी है कि आप कोई ऐसा काम मैच करना चाहते हो कि अगर मेरे किसी काम से कोई एक शख्स भी हिम्मत कर गया जिंदगी में, तो मेरी लाइफ सफल हो जाएगी। तो शामे गुफ्तगू का सिलसिला सीखने सिखाने की एक से शुरू हुआ था, और अब वो इस लेवल पे, मैं अब इसकी सोच ऐसी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूँ, लोगों को जानते जानते, समझते समझते और सीखते सीखते। वेरी नाइस और ये जो सोच है, इस सोच को सलाम, क्योंकि बहुत कम हैं जो उस लेवल पे सोच भी पाते हैं कि हम सोसाइटी को क्या और किस तरह से सर्व करें। हम अपनी ही सर्विस में लगे रहते हैं पूरी लाइफ, तो इस बात के लिए
आपकी जितनी तारीफ की जाए वो कम, और जो जितना खुल के आपने अपनी कहानी बताई उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब इससे पहले कि हम जी रैप अप करें प्रभा जी, एक आपने सुने होंगे मेरे एपिसोड, या आपको पता ही है कि मेरा क्या रिक्वेस्ट होने वाली है, मतलब जो अगली रिक्वेस्ट जो मेरी होने वाली है, तो बिना कहिए आप समझ जाइए। और क्योंकि आप इतना अच्छा लिखते हैं तो बिना कोई पोएम सुने या शायरी सुने एंड करेंगे तो मैं बुरा सीख लगेगा। रही हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये जो मैं सुनाने वाली हूँ, इसका मैंने कोई मैंने सच कहूँ तो ये मेरी लाइफ की ये कहानी भी कह सकते हो। बट ये मैंने जब लिखा था, मैं इसको बहुत मीन करती हूँ, मैं सच में यही हूँ जो मैंने बोलने वाली हूँ। इसका नाम है उम्र दराज। हाँ, उम्र से ज्यादा उम्र दराज हूँ मैं, कि खुद ही में एक जहान हूं मैं। हाँ, उम्र से ज्यादा उम्र दराज हूं मैं, कि खुद ही में एक जहान हूं मैं। इतने रंगों के तो बसंत में फूल नहीं खिलते, इतने रंगों के तो बसंत में फूल नहीं खिलते, कि जितने मैंने लोगों के रंग देखे हैं। उम्र से पहले जिंदगी मैंने तेरे ना जाने कितने रंग देखे हैं, कि तड़प उठती हूँ कभी याद कर बचपन को, बेफिक्रियत कम है कि तेरे लम्हे सिर्फ चार देखे हैं। कि तड़प उठती हूँ कभी याद कर बचपन को, कि बेफिक्रियत कम है कि तेरे लम्हे सिर्फ चार देखे हैं। गिला तो है मुझे वक्त से पहले उम्र दराज होने का, गिला तो है मुझे वक्त से पहले उम्र दराज होने का, पर जमाने नसीब में तेरे चेहरे देखने हजार लिखे हैं, नसीब में तेरे चेहरे देखने हजार लिखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत उमदा ये अच्छी लगी आवाज़, हो, एक और बहुत सुनाती हूँ बहुत आपको। डीप। और मैं क्योंकि अमृता प्रीतम जी से बहुत ज्यादा अटैच फील करती हूँ, और पता नहीं क्यों उनको पढ़ने के बाद बहुत कुछ रिलेट कर पाती हूँ, किस सेंस में ये नहीं बता सकती, बट हाँ कर पाती हूँ। तो इन्हीं के ऊपर एक मैंने लिखा था कुछ, तो मैं वही आपको सुनाती हूँ। ये मैं हर प्लेटफॉर्म पे कई बार सुना चुकी हूँ और ये मेरी फेवरेट है। मेरा मन मेरे इमरोज, यहाँ पर जो इमरोज है वो कहीं ना कहीं मेरी मेरा मन भी है और मेरी लेखनी भी है। इमरोज को मैंने अपना मन कहा है। मैं अमृता नहीं, मैं अमृता नहीं हूँ, पर मेरे पास मेरा इमरोज है, इमरोज यानी कि मेरा मन। मैं अमृता नहीं हूं पर मेरे पास मेरा इमरोज है, उसने मुझे कागज के कैनवस पर नहीं, दिल से धरा के कैनवस पर उतारा है। वो कोई प्रीतम नहीं, कोई साहिर नहीं, जो छूट जाए सफरे जिंदगी में, वो तो मेरा इमरोज है, जिसने मुझे हर पल संभाला है, जिसने मुझे ख्वाब दिखाए भी हैं और अपने प्रेम से मुझ में जगाई भी है। मेरी कलम की धार को उसने अपने आलिंगन से सवारा है। मेरी मन मेरे इमोज, तूने मुझ में विचारों का तूफान उभारा है। मेरी अंधेरी कोठरी में, यहाँ कोठरी का मतलब शरीर है, मेरी अंधेरी कोठरी में तूने आशाओं का दीपक जलाया है। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे इमोज तू सदा रहेगा, मुझ में नहीं तो किसी और हूं तू जिंदा रहेगा। इस धरा पर तेरा मेरा नाम सदा अमर रहेगा। ओह मेरे इमरोज, मेरे मन, मेरे मन, मेरे इमरोज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। मेरे मन मेरे इमरोज, ये भी जो पहली सुनाई थी और ये सुनाई थी, दोनों कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ लव, या जो एक आदमी सोचता है अपने दुनिया से ज़्यादा, जो अपना अंदर हम झांकते हैं, वो वाली कविताएं और शायरी है ये, तो बहुत ही बढ़िया, सुनकर मज़ा आ गया मुझे फाइनली। इतनी हमने इधर उधर की बिल्कुल बातें की पूरी दुनिया जहान की, बट जो मुद्दा था वो तो मेरा यही था कि शायरी सुननी है आपसे, तो बिल्कुल, बहुत बहुत मुझे बढ़िया। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट के लिए। कहीं ना कहीं मुझे कहते हैं ना कि अपने आप को ट्रेन आउट करना भी जरूरी है, हमारे अंदर बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है। जी सो जी ये जी बहुत जरूरी था मेरे लिए। तो ये जो हमने बातें की हाँ है आज टुकड़ों में, आई थिंक 4 या 5 बार ये बात फाइनली
जो हमें मौका मिला इसको पॉडकास्ट को क्लोज करने का, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। और आपकी जो कहानी है वो वाकई में इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, और जो भी कोई सुनेगा ये पक्की बात है कि वो कुछ ना कुछ सीखेगा और आपसे इंस्पायर होगी, मतलब होना बनता भी है, मैं तो हो गया हूँ अभी सुन के। तो आई होप आपको भी इस पॉडकास्ट में आकर अच्छा लगा होगा, और आई होप आप जो कहना चाहते थे दुनिया से वो आप कह पाएँ। और इससे पहले कि हम एंड करें, कुछ ऐसा जो आप कुछ रह गया हो या कुछ अभी कहना चाहें तो वो कह सकते हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपनी बात दिल से कही, और बस मेरा यही है कि होपफुली जो मैंने कहा वो मैंने दिल से कहा और मैंने सच कहा। ये जी, सच जो होता है, मुझे होता है कि हमें अपने सच से रूबरू होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप से सच्चे नहीं हो तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाओगे। ये एक मैसेज है सभी सुनने वालों से। तो प्रभा जी, द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपनी कहानी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गौरव बुलाने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू, और मैं आशा करती हूँ कि क्रिएटिव जिंदगी आप खूब आगे बढ़े और नए आयाम कुछ हुए। जी, थैंक यू। और आई होप हम फिर कभी एक और एपिसोड करेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो अभी रह गई हैं। डेफिनेटली, जरूर जरूर। ओके, थैंक यू। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।